जय हिंद साथियों मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं देखिए दोस्तों हम जो है जीएस थ्योरी बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको साइंस करवा रहा हूं देखिए ये हमारी बुक है जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित है आज तक जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं वो इस बुक से लगभग जो है कवर हो गए हैं यानी कि ये जो है बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक बुक है और इसका जो मतलब पैटर्न है वो सारा का सारा टी का है एस के रिगार्डिंग बहुत अच्छी बुक है और इसको जो हम सोल्व करवा रहे हैं सोल्यूशन करवा रहे हैं ठीक है भाई चलिएगा स्टार्ट करते हैं और

गा भाई तो उसको पहुंचाने के लिए आपके पास मौजूद है ब्लड जितनी भी चीज़ें आप कुछ मतलब चाहे कुछ खाते हो सांस लेते हो जो भी काम करते हो उन सभी चीज़ों को पहुंचाने के लिए ग्लूकोज है लेकिन उस सॉरी ब्लड है आपके पास लेकिन इस ब्लड को पहुंचाने के लिए भी तो कोई ना कोई मोटर आपके शरीर में है तो उसको हम हार्ट कहते हैं और ब्लड को पहुंचाने के लिए कुछ वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, हैं उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं यानी कि सर्कुलेशन का मतलब क्या है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना क्या कहलाता है सर्कुलेशन कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर मैं बात करूँ ब्लड सर्कुले लेटरी सिस्टम की तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से मेनली तीन चीजों से बना है एक आपके पास हार्ट होता है एक आपके पास ब्लड होता है और एक ब्लड वेसल होती है ब्लड वेसल होती हैं ये सारी की सारी चीजें जो हैं मिलकर आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण करती हैं अगर मैं बात करूं आपके ए, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जैसे कि आपके जो मोटर होती है घर में पानी की वो जिस टाइप से काम करती है वैसे ही आपका हार्ट काम करता है वास्तव में हमें यहाँ पर हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल्स को पढ़ना है क्योंकि हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है इसका केवल एक ही काम है वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और कोई भी काम नहीं है जितने जितने भी भी काम आप सोचते हो जितने भी इसको बदनाम कर रखा है चाहना या वगैरह जो भी बहुत चीज दिल से चाहता हूं या फिर दिल में दर्द होता है या पता नहीं क्या क्या इनमें से कोई भी काम हार्ट का नहीं है केवल एक ही काम है ब्लड को सर्कुलेट करना जैसे कि ये मान के चलो कि ये मोटर है पानी की मोटर जैसे होती है वो मोटर आपकी हर्ट है और उसके पास टू टाइप की नल मतलब डक्ट होती है मोटर के पास ये मोटर है आपकी और मोटर के पास टू टाइप के डक्ट होती नल किया होती हैं एक इनपुट होती है एक आउटपुट होती है ठीक है और उसके अंदर पानी होता है सेम वैसे ही है हार्ट के पास भी दो टाइप की डक्ट होती हैं एक वेन होती हैं एक आर्टरी होती हैं जो सारे के सारी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं इन मतलब ब्लड वेसल्स और हार्ट और ब्लड इन सभी के संयोग को जो है अपन को पढ़ना इन सभी को ही अपन को जानना है कि किस टाइप से ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर जो है जो है ब्लड मतलब ब्लड को जो है सर्कुलेट करता है क्यों करता है सबसे जरूरी ये भी चीज़ जरूरी है क्यों करता है मैंने आपको बता दिया क्योंकि ब्लड के पास ही हर चीज़ मौजूद है और इनको सर्कुलेट करना जरूरी है हार्ट एक इतना इम्पोर्टेंट और इतना मतलब आप ये मान सकते हो बहुत ही ज्यादा आप अगर हम अच्छे से इसको ना समझाएं ना तो आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो कौन है हार्ट है इसको बहुत मतलब अच्छे तरीके से हम समझेंगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूं अपना जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है कैसा होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी का मतलब हमारा जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है जब वेन के अंदर तो वो थोड़ा पीछे की तरफ खींचता है देखता है कि ब्लड आया या नहीं आया यानी कि कहने का मतलब ब्लड केवल हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर ही मौजूद है और कहीं पर भी ब्लड मौजूद

सर्कुलेशन का मतलब क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है सेलुलर वेस्ट है, है इन सभी को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना किसका काम अभी ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ठीक है या फिर इसको कार्डियोवुलर सिस्टम भी कहते हैं कार्डियोवस्कुलर क्यों कहते हैं कार्डियो का मतलब होता है जहां कार्ड आ जाए इसका मतलब ये है हार्ट 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 यानी कि हार्ट वर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेन जो फंडामेंटल अदा करता है वो आपका कौन करता है हार्ट करता है अगर मैं बात करूं इसके डिस्कवरी की तो इसको सबसे पहले जो इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को देने वाला जो व्यक्ति था वो विलियम हार्वे था ये क्वेश्चन आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को किसने दिया था विलियम हार्वे ने दिया था ने दिया। हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं जैसे कि ये छोटे मोटे जितने भी कीट होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं इन सभी के अंदर जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है अगर मैं बात करूं यहाँ पर सर्कुलेशन की ये सर्कुलेटरी सिस्टम है आप देख पा रहे होंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा फंडामेंटल आपको समझा रहा हूँ ये हार्ट जो होता है आपका हार्ट ये जो हार्ट होता है यही आपको सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में इसके टू पार्ट्स होते हैं हार्ट कितने पार्ट्स के होते हैं टू पार्ट्स होते हैं फोर नहीं होते फोर चैम्बर होते हैं दो पार्ट होते हैं ये आपका राइट होता है वो आपका लेफ्ट होता है आप कहोगे नहीं सर वो राइट है नहीं ऑर्गन की फॉर्म में ये राइट वो लेफ्ट होता है ये टू टाइप से काम करता है कैसे काम करता है इस साइड वाला जो हार्ट होता है उसके अंदर प्योर ब्लड होता है प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड ठीक है इस साइड वाला जो हार्ट होता है इसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है इम्प्योर का गा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्यों क्योंकि देखिएगा सबसे पहले मैं बात करता हूं लंग्स की लंग्स ने क्या किया ऑक्सीजन ले ली है क्या ले लिया है ऑक्सीजन सांस ली ऑक्सीजन ले ली ये ऑक्सीजन कहां पर गई ये ऑक्सीजन यहां पर ब्लड वेसल के थ्रू होती हुई मैं बाद में बताऊंगा इस ब्लड वेसल का नाम क्या है होती हुई कहां पर गई हार्ट के पास गई अब ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है ना ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है इसको अपन कहते हैं प्योर ब्लड क्या कहते हैं प्योर ब्लड क्योंकि ऑक्सीजन की ही बॉडी को जरूरत है ये गया हार्ट के पास हार्ट के पास जाने के बाद इसी हिस्से में दो मतलब चैंबर होते हैं दो दो इधर दो उधर फोर चैंबर होते हैं हार्ट के अगर मैं बात करूं हार्ट के चैम्बर चार होते हैं ये आपके लंग्स थे लंग से एक ब्लड आई यहां पर और इसके अंदर डाल दिया ब्लड को ठीक है अब ब्लड यहां से जो है इसके नीचे होता हुआ इसके अंदर आ गया इसके अंदर आने के बाद देखिएगा यहां से ये ब्लड वैसल निकली एक एक निकल रखी है एक ये बहुत सी लाखों करोड़ों ब्लड मतलब आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है ये होती है आर्टरी इन में ऑक्सीजन वाला ब्लड इस ऑक्सीजन को मेरी बॉडी यूज कर लेगी सेलुलर रेस्प्रेशन के दौरान हम करते हैं ना ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब हम यूज कर लेते हैं उसके बाद हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर ऑक्सीजन को हमने कर लिया यूज रिएक्शन होती है ना ओ सी सिक्स एच ट्वेल्व में करवा चुका हूं पहले ओ सिक्स इन टू में ऑक्सीजन जब बनती है तो आपकी थर्टी सिक्स ए टी पी बनती है और प्लस में सी ओ टू निकलती है अब ये सी ओ टू जो निकली है इस सी ओ टू को वापस ब्लड उठा के लेके आएगा लेकिन सी ओ टू वाले ब्लड को उठाने के लिए आपके पास अलग टाइप के डक्ट हैं जिनको अपन वेन कहते हैं अब ये वेन क्या करेंगी ये वेन सी ओ टू वाले ब्लड को वापस हार्ट के पास लाएंगी हार्ट में यहाँ आएगा यहाँ आने के बाद इस हिस्से में जाएगा इस हिस्से में जाने के बाद वापिस ये ये सी ओ टू वापिस लंग्स के पास जाएगी भाई मेरे को वापस शुद्ध कर दे और मेरे को वापस ऑक्सीजन दे दे अब क्या करेंगे हम इसको कर दें मतलब हमने सांस को बाहर निकाल दिया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया अब फिर वापस हम ऑक्सीजन लेंगे फिर लेंगे फिर ये सारा का सारा सर्कल होगा ये सारा का सारा सर्कल होगा ऑक्सीजन यूज होगा फिर सीओ टू आएगा ये आएगा फिर बाहर जो हम फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे एक्शन इतना तेज है कि हम बता नहीं पाते कि कब कार्बन डाइऑक्साइड ली सॉरी कब ऑक्सीजन ली कब सीओ टू छोड़ दी इतनी चीजें जो है इसके अंदर हो चुकी हैं क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा तेज जो है रिस्पॉन्स देती है सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं यहां पर लंग्स हैं लंग्स से आया यहां पर यहां पर आने के बाद आया यहां पर यहां से ब्लड वेसल्स निकली बहुत सी बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन को यूज किया यूज करने के लिए वापस इस हिस्से में आया इस हिस्से से इस हिस्से में और इससे वापस कहां पर चला गया आपके लंग्स के पास प्योर होने के लिए चला गया तो वास्तव में आपको इस सिस्टम के अंदर क्या क्या जानना है देखिएगा पहला तो आपको जानना है हार्ट के बारे में क्योंकि काम तो कौन कर रहा है हार्ट ही कर रहा है सबसे पहले तो आपको हार्ट के बारे में जानना है फिर ये ब्लड वेसल्स

आर्टरी वेन और ब्लड इन सभी चीज़ों को जो है अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से देखना है चलिएगा टॉपिक के साथ चलते हैं और इसको देखते हुए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप का होता है कितने टाइप का होता है टू टाइप का यह मैं बात कर रहा हूँ कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे वाला सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स पलमनरी देखिए मैंने आपको शायद ये बताया था पल रूट वर्ड किसका है पल, पल तेरी याद सताए और फेफड़ा फड़फड़ाए जहां पर पल आ जाए यानी कि लंग्स हैं क्या है लंग्स हैं तो लंग्स जो हैं ये इनके बीच में यानी कि हार्ट और लंग्स के बीच में जो आपका मूवमेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं है, पलमनरी रेस्पिरेशन मतलब ये वाली मूवमेंट जो है ना ये वाली मूवमेंट ये वाली जो है पलमनरी कहलाती है यानी कि ऑक्सीजन दी सी

ऊपर वाला नीचे वाला नीले। एट्रियम और वेंट्रिकल पहले आता फिर वी आता है ऐसे याद कर लो ठीक है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है तो ये जो है आपको देखना है यहां पर आपके लंग्स मौजूद हैं सबसे पहले लंग्स से यहां पर आता है तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है है कि लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड किस हिस्से में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहां से जाता ना इस हिस्से से या इस हिस्से से जाता नीचे से उसमें जाता है तो मतलब ये ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं देखिएगा अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है कौन किसके बारे में बात कर रहा है बात कर रहा है लंग्स के बारे में किसके बारे में लंग्स के बारे में फ्रॉम राइट वेंट्रिकल देखो भाई यहां पर ये राइट right वेंट्रिकल था ये वाला यहीं से तो जाता है यहीं से जाता है क्योंकि ये वाला ये डक्ट यहां से ये ऑर्गन्स के पास जाएगा और ये वापस ऑर्गन से इस हिस्से में आएगा सिंपल शब्दों में बता रहा हूं आपको लंग्स से आया इस हिस्से में लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम से फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से गया ऑर्गन्स के पास ऑर्गन उल्टा उठा के लाए ब्लड को सीओ टू वाले को एट्रियम के पास राइट right एट्रियम के पास राइट right एट्रियम से वेंट्रिकल में आया राइट right वेंट्रिकल से वापस लंग्स में गया ये पूरा का पूरा सर्कल चलता रहता है और हम जीवित रहते हैं ठीक है हार्ट काम इसी लिए कर रहा है देखिएगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग डिओक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू लंग्स राइट right वेंट्रिकल से लंग्स में लेते है वेयर द ब्लड इज इन्फ्यूज विद द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज उस टाइम पे क्या होगा हम कार्बन डाइऑक्साइड को तो छोड़ देंगे ऑक्सीजन वापस ले लेंगे ठीक है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंड टू द लेफ्ट ओरिकल फिर वापस मैंने क्या किया इसको मैंने फिर वापस से ऑक्सीजन को कहा भेज दिया लेफ्ट ओरिकल में भेज दिया ये आपको सिंपल शब्दों में डायग्राम बना लेना है डायग्राम बना के नाम लिख लेने हैं ये आपको एक भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है

चार हिस्से कर लो ऊपर वाले को ए एट्रियम नीचे को वी वेंट्रिकल ये वाला राइट है ये वाला लेफ्ट है ऐसे कर लो ठीक है यहाँ पर लंग्स हैं लंग्स से यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आती है मतलब किस हिस्से में आती है लेफ्ट ऑरिकल ऑरट्रिकल में आती है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है फिर यहाँ से ऑर्गन्स के पास जाता है ब्लड ऑर्गन्स इस हिस्से से जाता है ये बात याद रखिएगा फिर ऊपर आता है यहाँ पर इस हिस्से में आता है ये याद रखिएगा। फिर नीचे आता है। फिर यहां से कहा जाता है इस हिस्से इस में जाता है इस हिस्से इस 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 से। मतलब लंग्स के पास जाता है इन हिस्सों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनको थोड़ा हाँ डायग्राम बना के मतलब जो है आप थोड़ी देर इसके ऊपर वर्क कर लेना मैं गारंटी लेता हूँ आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगी आप डायग्रामल बेस्ट जो इनको आंसर कर दोगे कहां से कौन जाता है कौन आता है देखिएगा अब फिर वही कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा हालांकि कुछ नहीं इसमें सिस्टमेटिकल सर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है दिस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ बॉडी मतलब हृदय से निकलकर पूरी रेस्ट ऑफ बॉडी में जो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे सिस्टेमिक बोलेंगे पहले हम जो पलमनरिक कर रहे थे उसमें लंग्स वाला फोर्सन कर रहे थे यहां पर क्या होगा द बॉडी रिश्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस हिस्से से रिस्यूव करती याद करो याद करो कहां से रिस्यूव कर रहा था यानी कि नीचे से रिस्यू कर रहा था वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से रिस्यूव कर रहा था ये बात याद रखना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बॉडी जो है आर्ट के किस हिस्से से है जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है यानी ऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड रिसीव करती है तो आपको आंसर देना लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से

एट्रिकल भी बोल देते हैं ओरिकल भी बोल देते हैं एट्रिकल के नाम है ये दोनों के दोनों इसको एट्रिकल भी बोल देते हैं कल भी बोल देते हैं और ओरिकल भी बोल देते हैं ठीक है वापिस आ जाता है ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आगे देखिए ये देखो सारा का सारा सर्कुलेशन है यहां से आया इस हिस्से में इस हिस्से से इस हिस्से में इस हिस्से से यहां से बॉडी के पास बॉडी से फिर ऊपर वाले ए में फिर नीचे निच, वाले वी में ठीक है फिर फिर वी से यहां पर ठीक है ये राइट है और ये लेफ्ट है ऊपर वाले ए हैं नीचे वाले वी हैं एट्रिकल और वेंट्रिकल बस इतना ही बहुत है ज्यादा ज्यादा मतलब डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है बस आपको उतना ही करना है जो कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट है ठीक है ना मतलब आपको ऐसे ही ज्यादा नहीं पढ़ना है बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हैं नेक्स्ट देखना भी ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया गया है अब आपने पता चल गया कि कैसे ब्लड कहां पर कौन जाता है कौन लेके जाता है अब आगे की तरफ चलते हैं देखिएगा भाई द ह्यूमन हार्ट इज मेड अप द स्पेशल मसल इज कॉल्ड कार्डियक मसल ठीक है मैं आपको पहले ही बताता हूं जहां कहीं भी कार्ड मिले ना वहीं को हार्ट ठोक देना उसी का आंसर हार्ट जैसे कि आपसे पूछे हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी हृदय का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट द डॉक्टर ऑफ हार्ट डॉक्टर ऑफ हार्ट डॉक्टर ऑफ हार्ट स्टडी ऑफ हार्ट ठीक है अगर आपसे पूछे हार्ट हार्ट जो किन मसल से बना होता है तो आपका आंसर देना कार्डियक मसल यानी कि जहां कहीं भी कार्ड मिले की जांच क्या, जांच क्या क्या कहलाती है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फिर कार्ड आ जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ठीक है तो ये सारे के सारे कार्ड जहां कहीं मिले वहीं पर किसको कर देना हार्ट को कर देना द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड एक ही काम है इसका ब्लड को पंप करना ब्लड को पंप करना खींच के लाना वापिस फिर भेजना फिर आना फिर भेजना फिर ये सारा काम करता रहता है ठीक है इट रिस्यू कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी पूरी रेस्ट ऑफ बॉडी से तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेगा एंड सेंड टू द लंग्स लंग्स के पास भेजता है और फिर वापस ऑक्सीजन वाला ले लेता है क्योंकि लंग्स का काम ही ये सीओ टू को बाहर निकालना ऑक्सीजन को लेना फिर वो ऑक्सीजन वाला फिर ले, ले लेगा फ्रॉम द लंग्स एंड सेंड इट टू द रेस्ट बॉडी फिर वो ऑक्सीजन देनी किसको बॉडी ऑर्गन्स को ही तो देनी है फिर वापस भेज दिया मतलब ये सारा काम ऐसे ही करता रहता है सारा काम ऐसे ही करता रहता है देखो फिर एक मिनट के लिए फिर बता देता हूँ यहाँ डायग्राम नहीं ऐड किया गया कि, मैं ऐड कर देता हूँ लास्ट बार ही बता रहा हूँ इसके बाद नहीं बताऊंगा ये हर्ट है ये हार्ट के हो गए दो पार्ट हार्ट के कितने पार्ट होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछे आपको इसके चैम्बर कितने होते पूछे तो चार ये राइट हिस्सा है और ये लेफ्ट हिस्सा है ठीक है इनको ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रिकल ओरिकल भी बोल देते हैं नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल वेंट्रिकल बोल देते हैं ठीक है ये राइट ऑट्रिकल वो लेफ्ट ऑट्रिकल ये राइट वेंट्रिकल वो लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है ऐसे याद रखना है अब देखिएगा लंग से आया ऑक्सीजन वाला ब्लड किस हिस्से में आया इस हिस्से में लेफ्ट एट्रिकल में फिर ये ब्लड यहां से होता हुआ यहां पर पहुंच गया इस हिस्से में और यहां से निकलकर कहां गया बॉडी के पास कहां से निकला लेफ्ट वेंट्रिकल से

स्पेशल मतलब आर्टरी किनको कहते हैं धमनी जिनके पास ऑक्सीजन वाला ब्लड हो वेन किनको कहते हैं जिनके पास CO2 वाला ब्लड हो और भी मैं बताऊंगा डेफिनेशन आगे आएंगी ठीक है अब वापस इसमें से यहां से फिर यहां पर आया यहां पर आने के बाद ये बोला कि भाई वापस था ये CO2 वाला ब्लड है ये CO2 वाला ब्लड है ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है CO2 वापस लंग्स के पास भेज और इसको वापस शुद्ध करके दे फिर वापस क्या करेगा सीओ टू बाहर लंग्स और ऑक्सीजन फिर फिर ये, 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 ये ऐसे ही चलता रहता है ठीक है तो सिंपल शब्दों में आपको समझना है चलिएगा यहां पर देखिएगा वही बातें जो जल्दी जल्दी बता देता हूँ सॉरी राइट एट्रिकल सिंपल सी बात है डी आ गया ना डिओक्सीजनेटेड का मतलब सीओ टू वाला ब्लड और सीओ टू वाला ब्लड तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे लेफ्ट में तो ऑक्सीजन वाला होता है लेफ्ट में तो ऑक्सीजन वाला होता है बस दो ऑप्शन तो कट गए इंटरस इन टू द राइट एट्रिकल ये चीज आपने देखनी पड़ेगी एट्रिकल में ऊपर इंटर करता है और नीचे से लंग्स में जाता है ऐसे याद करो थ्रो द एरो थ्रो द एरो इंटू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम वेहर द पंप टू द लंग्स अच्छा ये ये कह रहा है कि उसके बाद जो है ये किसमें चला जाता है नीचे वेंट्रिकल में चला जाता है और वेंट्रिकल के बाद वापस लंग्स में चला जाता है ये मैंने बता दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द लेफ्ट ऑरिकल मैंने कहा ना लेफ्ट हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट में होता है फ्रॉम द लंग्स देन लंग्सुस्ड इंटू द लेफ्ट वेंट्रिकल फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है बतायान पुस्ट इंटू द मेन आर्ट्री एरोटा उसके बाद एरोटा में बेच दिया जाता है एरोटा के बाद लाखों आर्टरीज में कन्वर्ट होकर पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड चला जाता है द द ब्लड देन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी स्मॉल आर्टरीज उसके बाद एरोटा डिवाइड हो जाती है अनेकों ब्लड वेसल्स में देखो यहाँ पर एक चीज देखो भाई सिंपल सी बात है ये हार्ट तो हार्ट तो छोटू सा ऑर्गन है ऐसे क्लोज फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बंद मुठीनुमा स्ट्रक्चर होता है ठीक है बंद मुठिन स्ट्रक्चर होता है ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ठीक है कौन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका तीन सौ ग्राम का हार्ट पूरा का पूरा होता है कुछ है तो नहीं इसके पास इतना छुट्टू सा और बॉडी में लाखों करोड़ों आर्टरी और वेन है निकले तो एक ही यहां से तो एक ही निकलेगी जिसका नाम होगा एरोटा एरोटा जहां से यहां से निकलेगी ना इसका नाम है एरोटा एरोटा लार्जेस्ट आर्टरी लार्जेस्ट आर्टरी इसके बाद बहुत सी आर्टरी डिवाइड हो जाएंगी यहां से बहुत सी आर्टरी बॉडी के पास चली जाएंगी यहां से बहुत सी वेन आएंगी बहुत लाखों लेकिन इसमें तो इंटर एक ही करेगी लेकिन यहां से तो एक निकल रही थी इसमें दो इंटर करती हैं कहते हैं तो इनको वेना कहवा है वेना कावा सबसे बड़ी लार्जेस्ट वेन लार्जेस्ट वेन लार्जेस्ट वेन वेना कावा लेकिन वेना कावा दो होती हैं इंटीरियर और सुपीरियर ठीक है दो होती हैं दो बंटर करती हैं इसके अंदर एक यहां से एक यहां मतलब दो इंटर करती हैं यहां से एक निकलती है इंटर दो करती हैं यहां से भी एक यहां से भी एक मतलब चार ही जो है मतलब पांच जो है आप ये मान सकते हो पांच जगह से इंटर और आउट होती हैं ब्लड वेसल्स ठीक है चार वाल पाए जाते हैं इसके अंदर ठीक है वाल का मतलब इनको बंद भी तो करना पड़ेगा चलिया गया वापिस आ गया तो ब्लड ब्लड अगर भेज दिया आगे की तरफ वापिस आ गया तो तो वापिस आने देना ना तो इसके लिए वाल भी होते हैं चार ही वाल होते हैं या आगे हम डिस्कस करेंगे तो चलिएगा इधर देखिएगा द हार्ट पंप अराउंड द छत्तर सौ लीटर ऑफ ब्लड इन द डे पूरे दिन में इतना लीटर जो है ब्लड पंप करता है देखो कितना मेहनती ऑर्गन है अगर इसके बारे में एक बात बताऊं ना बच्चा हार्ट जो ना वो फर्स्ट ऑर्गन है पहला ऑर्गन है सबसे लास्ट ऑर्गन भी यही है यह, फर्स्ट क्या फर्स्ट फर्स्ट लास्ट और बीजी और सबसे बीजी ऑर्गन भी कौन है यही है कभी भी रेस्ट नहीं करता अपनी पूरी लाइफ में कभी रेस्ट नहीं करेगा अगर इसने रेस्ट कर लिया तो आप रेस्ट इन पीस हो जाओगे सिंपल सी बात है ये रेस्ट नहीं करता इसने रेस्ट कर दिया रेस्ट इन पीस हो जाएगा कहने का मतलब मरे हुए व्यक्ति का ही अर्ट बंद होता है मरा जब ही घोषित कर दिया जाता है जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये बात याद रखना हार्ट के बारे में ठीक है पहला ऑर्गन सबसे पहले बनता लास्ट तक रहता है और सबसे बीजी ऑर्गन होता है पूरे मतलब पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है छह सौ लीटर एक दिन में हार्ट बीट क्या करता है? है जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता ना तो पंप करता है और फिर वापिस लाता है तो एक साउंड करता है साउंड होती है लब डब लब डब आप सुनना लब डब की साउंड करता है और वो लब डब की साउंड से एक बीट क्रिएट होती है बीट समझते हो ना हाँ धड़कन और उस बीट को हम कहते हैं हार्ट बीट और हार्ट बीट जो होती है वो बेहतर होती है सेवनटी टू होती है ये वेरी करती है सिक्सटी टू एट्टी किसी की कुछ किसी की कुछ एन एवरेज सेवनटी टू होती है उसके बाद एंड न्यूबोर्न बेबीज न्यू में ज्यादा होती है हार्ट बीट ज्यादा होती है न्यूबोर्न में ठीक है जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे हार्ट बीट कम होती जाती है द पेरी कार्डियम इज द द फाइबर द कंटेन द हार्ट एंड द रूट ऑफ द सेवरल देखिए आ गया ना पेरी का मतलब बार कार्डियम का मतलब हार्ट हार्ट के बाहर जो लेयर पाई जाती है उसको पैरिकार्डियम बोलते हैं ठीक है पेरी का मतलब बार कार्डियम का मतलब हार्ट हार्ट के बाहर जो लेयर पाई जाती है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं इधर देखिएगा भाई नेक्स्ट ये हार्ट है हार्ट के बारे में मैंने आपको जो बता रहा था ना कि आपकी जाति तो एक है यहां से देखो ये एरोटा एरोटा तो एक जाति है लेकिन वेन जो है ना वेन दो आती हैं वैना कहवा एक सुपीरियर वेना कहवा और एक सुपीरियर एंटीरियर नहीं दे रखी गया दो वैना कहवा होती हैं ठीक है वेन दो जाती हैं हार्ट के अंदर निकलती एक है निकलती एक है ऑक्सीजन लेके आती दो है शिओ टू लेके ये बात याद रखिएगा आगे चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं भाई पेरिकार्डियम मैंने अभी अभी बताया पेरी पेरिकार्डियम क्या है ये दोबारा आ गया ये पेरिकार्डियम भी चारों तरफ जो ये आपको दिख रहा है ये पेरिकार्डियम है सुरक्षा देता भाई हार्ट को ठीक है हार्ट के चारों तरफ लेयर होती है देखिएगा हार्ट की वाल देख लेना हार्ट के पास जो है तीन वॉल पाई जाती हैं कितनी वाल पाई जाती हैं तीन वाल पेरिकार्डियम मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम याद रखना पेरिकार्डियम बस इतना ही पूछा जाएगा इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे ये पेरिकार्डियम है पूरी की पूरी पेरिकार्डियम के पास चार होती है पेरिकार्डियम के पास एक दो तीन और चार पेरिकार्डियम के पास चार होती है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा ये जो है मायोकार्डियम और ये जो है आपकी एंडोकार्डियम हार्ट जो है तीन लेयर से सुरक्षित होता है कौन कौन सी आपकी पेरी कार्डियम मायोकार्डियम और जो है आपकी एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम ये याद रखिएगा और इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिएगा ये देखो भाई ओह दे ही दिया हा इज द थ्री लेयर तीन लेयर होती हैं आउटर मोस्ट कॉल्ड एपिकार्डियम एपिकार्डियम या पेरी एक ही बात है ठीक है और जो बीच वाली जो है वो मायोकार्डियम कहलाती है और इनर वाली जो है वो एंडोकार्डियम कहलाती है ठीक है और कुछ नहीं है इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा जो है देखिएगा एपिकार्डियम कवर्स द हार्ट रेप्स अराउंड द रूट्स एंड द ग्रेट ब्लड वेसल्स एंड द मतलब ये क्या करता है हार्ट को कवर करता है और हार्ट के चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स जो होती है हो, उनको भी कवर करता है ये जो होता है ये आ, जो है आपकी मसल टिश्यू पावर ऑफ द हार्ट ऑफ द पंपिंग एक्शन यानी कि ये जो है आपकी मसल्स को क्रिएट करता है हार्ट की जो हार्ट को पंप करने के लिए पावर देती हैं जो मसल्स हार्ट को पंप करने के लिए पावर देती हैं और इंटरनल जो होता है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट होता है इंटीरियर लाइन होती है कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं आपको बस ये याद रखना थ्री लेयर होती है कौन कौन सी होती है ये बात याद रखनी है ये देखो भाई हार्ट का जो मैंने आपको बता दिया ऊपर वाला जो है एट्रियम कहलाता है नीचे वाला वेंट्रिकल कहलाता है वो राइट है ये लेफ्ट है वो राइट है ये लेफ्ट है हट हाँ, हां वास्तव में ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है बिल्कुल सीधा नहीं होता ये थोड़ा ऐसे होता है बैंड होता है ठीक है भाई चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं भाई ये देखिएगा अभी नेक्स्ट अभी हट चैम्बर के बारे में बात कर रहा है मैंने बता चुका हूँ मैं आपको हट के जो है चार चैम्बर होते हैं देखिएगा तीन क्वेश्चन आते हैं हट के कितने चैम्बर होते हैं चार हट के कितने पार्ट होते हैं दो हट की कितनी लेयर होती हैं तीन देखिएगा मैं फिर बता रहा हूँ हट के पार्ट की बात करें एग्जाम में तो हट के पार्ट जो होते हैं वो दो होते हैं हट के चैंबर पूछे तो आपके चैम्बर या वाल दोनों के दोनों जो है चार होते हैं आपके ठीक है चार चैंबर चार ही वाल होते हैं अगर आपसे पूछे हार्ट की लेयर कितनी होती है तो आपका आंसर करना तीन ये जो है कुछ काउंटिंग से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको मैंने बता दिया है तो इसके अंदर जो चार चैंबर होते हैं उनके बारे में बात की गई है मैंने आपको बताया था कि एक हिस्सा होता है राइट दूसरा होता है लेफ्ट हर मतलब जो है चार चैंबर होते हैं ऊपर वाले जो है एट्रियम कहलाते हैं नीचे वाले जो है वेंट्रिकल कहलाते हैं मैंने सारे के सारे आपको जो ना एक डायग्राम के माध्यम से आपको जितने भी फंक्शन बताए ना वो सारे के सारे जो है इसके अंदर इंक्लूड मिलेंगे देखिएगा अभी सबसे पहले भी राइट एट्रियम राइट एट्रियम कौन सा है ये हर्ट है हर्ट के बीच को डिवाइड कर दिया और ये राइट है और ये एट्रियम है ठीक है राइट एट्रियम वाला ये वाला हिस्सा इस, इस वाले हिस्से के बारे में बात कर रहा हूं मैं ठीक है दिमाग में जो है स्टार्टिंग में इमेज बन जानी चाहिए इस हिस्से में क्या होता है इस हिस्से में क्या होता है इस हिस्से में जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पर ठीक है बस इतनी इमेज जो है आपके मन में बननी चाहिए आगे के देखते हैं टू लार्ज वेन्स डी डिलीवर्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द राइट ऑट्रियम ऑक्सीजन पुअर ब्लड ये नाम अलग अलग कर रहा है यानी कि सीओ टू वाला ब्लड सीओ टू जनेटेड ब्लड जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टू लार्ज वेन के माध्यम से किसके अंदर आता है वो जो है राइट ऑट्रियम के अंदर आता है तो मैंने आपको बताया था यहाँ से दो वेन जो इंटर है एंटर करती हैं एक इनको कहते क्या है वेन को कहते क्या हैं जो वेन हार्ट में एंटर करती है उसको वना बोलते हैं वाना कावा. वेनाका इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी ठीक है वेनाकावा दो होती हैं एक तो सुपीरियर होती है एक इनफेरियर तो होती, होती है ठीक है तो आपको याद रखना है देखिएगा सुपेरियर वेनाका कैरीज द ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन टीशियस ने पूछा था क्या होता है हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि वाना ही आपका क्या करती है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड uh, जो है बॉडी से लेकर आती है लेकिन क्वेश्चन क्या कर लिया क्वेश्चन ये कर लिया अपर बॉडी का कौन लेके आती है लोअर बॉडी का कौन लेके आती है तो अपर बॉडी की सुपेरियर वेनाकावापर वाली जो होती है वो अपर बॉडी का सुपीरियर वेना कावा और ये वाली जो होती है, ये होती है आपकी इनफीरियर कावा का तो नीचे वाली बॉडी का लोअर बॉडी का कौन लेके आती है लोअर बॉडी का जो है इनफीरियर वेना कावा लेके आती है नेक्स्ट भी राइट वेंट्रिकल लाइट राइट वेंट्रिकल के मन में आपके क्या जाना चाहिए इमेज बन जानी चाहिए कि ये आपका हार्ट है ये चार पार्ट है ये चार सॉरी ये दो पार्ट चार चैम्बर है ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से में क्या हो रहा था इस वाले हिस्से में सीओ टू वाला ब्लड यहाँ पर आ रहा था और आने के बाद वापस कहाँ पर जा रहा था लंग्स के पास जा रहा था प्योर होने के लिए बस इतना ही याद आपको करना है देखिएगा भाई लोअर राइट चैम्बर आर्टरी ये क्वेश्चन बनता है ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं कि ये जो है कहां पर भेजता है लंग्स के पास डिऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है, प्योर करने के लिए लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि इस नलकी को क्या कहते हैं इस डक्ट को क्या कहते हैं जो लंग्स के पास जाती है उसको अपन बोलते हैं पलमनरी आर्टरी यहां पर सुनिएगा यहां पर एक चीज जो एक फंडामेंटल आपको क्लियर कर रहा हूं ठीक है यहां पर मैं एक स्लाइड ले रहा हूं आपको बता रहा हूं आर्टरी क्या होती है वेन क्या होती है बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहीं पर जो है मैं आपको फंडामेंटली क्लियर कर रहा हूं आर्टरी क्या होती है आर्टरी वे ब्लड वेसल होती है दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन जो हार्ट टू ऑर्गन चलती हैं हार्ट टू ऑर्गन चलती हैं उनको अपन क्या कहते हैं हार्ट से ऑर्गन तक जाती हैं उनको अपन कहते हैं आर्टरी वेन की नहीं कहते हैं वेन दूसरी होती है वेन वेन उन्हें कहते हैं जो ऑर्गन टू ऑर्गन टू हार्ट आती हैं इनको हम वेन कहते हैं दैट एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है आपकी ठीक है ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है ये असली डेफिनेशन नहीं है रियल डेफिनेशन जो है ये है जो मैंने आपको दी है हार्ट से ऑर्गन जाने वाली आर्टरी कहलाती है ऑर्गन से हार्ट जाने वाली वेन कहलाती है ठीक है भाई यानी कि मैं कह सकता हूँ हार्ट से निकलने वाली आर्टरी कहलाती हैं और हार्ट में जाने वाली वेन कहलाती हैं मेनली जितनी भी हार्ट से निकलने वाली होती हैं उन सभी में लगभग जो भी हार्ट से ऑर्गन आती हैं उन सभी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन वाला या प्योर ब्लड होता है उन सभी में क्या कैसा ब्लड पाया, पाया जाता है प्योर ब्लड पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड जिनेटेड ब्लड पाया जाता है इन सभी की क्वालिटी ये है लगभग लाखों आर्ट्री बॉडी के अंदर है सभी में कैसा पाया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा बट एक अपवाद है अपवाद क्या है देखिएगा मैंने आपको कहा हार्ट टू ऑर्गन आने वाली हार्ट टू ऑर्गन आने वाली और अभी अभी मैंने बताया ये आपका हार्ट है ये पार्ट चार ये चैम्बर चार हो गई ये ऑर्गन लंग्स है लंग्स भी तो एक ऑर्गन है और यहाँ से इस हिस्से से जाकर ये जो वेन होती है इस वेन के इस सॉरी इस आर्टरी के अंदर ये जो मैंने क्या कहा हार्ट से ऑर्गन आने वाली आर्टरी कहलाती हैं तो तो ये भी तो हार्ट से आ रही है तो ये आर्टरी कहलाएगी लेकिन इस आर्टरी में ब्लड कैसा हो गया इस आर्टरी में तो इस हिस्से में तो इनप्योर ब्लड है तो ये एक अपवाद बन गया अपवाद नहीं बन गया बस आपको इतना याद रखना पल जहां पर रूट वर्ड लग जाए इसका मतलब वो हार्ट का है तो ये जो अपवाद है एप्सेक्शन जो है वो है आर्टरी आर्ट्री पलमोनरी पलमोनरी

ठीक है जो यहां से निकलती है यानी कि ये क्या है लेफ्ट और ये क्या है वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलती है वो है लार्जेस्ट आर्टरी एरोटा उसके बाद एरोटा से बहुत सी डिवाइड हो जाती है वेन देखो भाई यहीं पर समझा दे तुम जो ऑर्गन से हट आती है अब एक बात बताओ ये ऑर्गन है और ये यहां पर आई जो ये तो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके ले आएगी ये तो लेके आएगी ना इन सभी की क्वालिटी क्या है इन सभी में सीओ टू वाला ब्लड होता है इन सभी में कैसा ब्लड होता है सीओ टू वाला लेकिन जो अपवाद में आपको बता रहा हूं वो पलमनरी वेन हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी पलमनरी पलमंड्री वेन हो जाएगी सेम ऐसी जैसे यहां से ऑर्गन के पास एक ही आर्ट्रीज आ रही थी ना लेकिन ऑर्गन से यहां पर दो आती हैं कितनी आती हैं दो मैंने अभी बताया कि ऊपर वाले इससे से आते हैं उनको सुपीरियर बोलते हैं नीचे वाले से इससे से आते हैं उनको इन्फीरियर बोलते हैं और उनको बोलते हैं वैना कावा वैना कावा मे भी ये चीज़ जो है हाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये चीज ही आपको क्लियर रखनी है ठीक है बिल्कुल ईजी है इसमें ज्यादा कुछ था नहीं ये बस दो तीन बातें दो तीन ट्रम जो हैं आपको याद रखनी है ठीक है चलिएगा अब देखते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो इसको पलमंड्री आर्टरी बोलते हैं क्यों बोलते हैं मे भी समझ में आ गया होगा आपको नेक्स्ट जो अपन स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट पर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट का मतलब लेफ्ट का मतलब ये अगर मैं ये अगर मैं हार्ट बनाऊं तो ये लेफ्ट हिस्सा है और लेफ्ट एट्रियम का मतलब इसकी बात कर रहा है इसकी बात कर रहा है तो मन में आ जाना चाहिए कि एक तो ब्लड वेसल कहां पर आएगी ंग्स से आएगी और लंग से आने वाली को आर्टरी कहेंगे लेकिन इसमें सॉरी लंग से आने वाली यानी ऑर्गन से आने वाली को वेन कहेंगे वेन है पलमनरी वेन होगी तो देखना द पलमनरी वेन आ गया ना ये द पलमनरी वेन पलमंड्री वेन का मतलब ऐसी वेन जिसमें कैसा ब्लड है ऑक्सीजन वाला ब्लड है कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड इट पंप द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि यहां से यहां आता है और उसके बाद जो है इसमें जो है पंप कर दिया जाता है ठीक है उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल वेंट्रिकल का मतलब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए लेफ्ट है तो ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से को तो आप अच्छे से जानते हो यहीं से बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है यहीं से निकलती देखिए द लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्लाइटली लार्जर देन द राइट लेफ्ट राइट से लार्जर होता है ये बात याद रखना लेफ्ट वाला जो है लार्ज होता है इट पंप ऑक्सीजनेटेड रिज ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड करता है रेस्ट टू द बॉडी रेस्ट बॉडी से को जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड करता है और यहां से निकलती कौन है एरोटा निकलती है इसको याद रखना एरोटा यहीं से निकलती है एरोटा यहीं से निकलती है कौन से से लेफ्ट वेंट्रिकल से ही निकलती है उसके बाद हालांकि एरोटा लाखों करोड़ों आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है नेक्स्ट पर चलते हैं देखिए दी रखा शायद हार्ट वाल्स की बात कर रहा है इंपॉर्टेंट है वाल आजकल पूछे जाते हैं नॉर्मली चर्चा में भी चले रहते हैं कि आ, कोई व्यक्ति था उसका हार्ट में जो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको तो वो वाल डले हैं हालांकि आजकल जो है आ, सब चीजें जो हैं भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि वाल डलो ची ना डलो किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो दो तीन लाख रुपए दे के ही आएगा वो ठीक है उसको कह देंगे कि वाल डल गया तो रहे ठीक है देखिए हार्ट वॉल्स आर द टिश्यू लोकेटेड इन द कार्डियक बिटवीन द यानी कि दिन के बीच में जो टिश्यू होते हैं जिनको क्या कहते हैं वाल कहते हैं हार्ट वाल देखिएगा यहां पर आपको समझ में आएंगे चैम्बर्स क्या होते हैं देखिए जैसे कि एक चैम्बर ये एक चैम्बर ये है इनके बीच में ये जो वाल है ये वाला एक चैम्बर ये है एक चैम्बर यह इनके बीच में वाल है ये वाला ठीक है उसके बाद एक ये वाला और एक जो है आपका जो है यहाँ से जो है एरोटा की तरफ जाता है एरोटा में जाता है एरोटा में ये जा रहा है ये वाला ठीक है ये तो दो चैंबरों को ऐड कर रहे हैं मैं यहां पर चार वाल होते हैं उनके बारे में बता देता हूं चार में कौन कौन से एक तो होता है ट्राई कस्पीड होता है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जो आपकी राइट एट्रियल को राइट वेंट्रिकल से जोड़ता है, ए, है, जो ए, लोता है, लोता है ठीक है ये होता है ट्राई कस्पीड ठीक है उसके बाद एक होता है पलमनरी वाल पलमंड्री वाल कौन सा होता है जो मतलब जहां से वेन जो है इंटर करती है करती वेना कावा एंटर करती है वाना कावा सॉरी ये पलमंडरी पलमंडरी वाल होती है जहां से जहां से हार्ट के पास जाता है जहां से ब्लड हार्ट के पास जाता है वो वाला ठीक है और एक होता है ये यहां पर ये वाला इसको बोलते है एरोटिक वाल एरोटिक वाल मतलब जहां से एरोटा निकलती है जहां से एरोटा निकलती है और एक होता है ये वाला ये वाला जिसको बोलते हैं मिट्रल मिट्रल में क्या होता है ए, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में होता है ये ठीक है तो आप डायग्राम से से अच्छे से आप समझ सकते हो अपने आप इसको अच्छे से देख लेना आप कहां, कहां पर कौन सा होता है यही बात इस सभी में बताई गई है और कुछ नहीं अच्छा करते क्या है ये करते क्या है वॉल करते क्या है देखो भाई सिंपल सी बात है वाल क्या करेगा मान के चलो ये वाला वाल है यही बता देता हूँ मैं चलो ये वाला बताता हूँ मिट्रल वाल बताता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इस में अब इस से, से नीचे चले गए यहां पर अब वापिस इधर ना आए इसलिए यहां पर ये यह वाल लगा होता है उसमें नहीं जाना ना भी। एक, बर, एक 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 बार टाइम के लिए यहां पर आ चुका तो अब आगे जाएगा बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा पीछे नहीं आएगा मतलब आप ये कह सकते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट को रोकते ही वॉल बस और कुछ नहीं करते बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड के मूवमेंट को रोकते हैं आगे आ गया ठीक है पीछे मत जाना भाई पीछे मुड़ के तोरे को देखना ही नहीं है क्योंकि आगे जाना फिर घूम के दोबारा ही आना सर्कल में से इसलिए ये वाल लगे होते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं प्रीवेंट करते हैं ब्लड फ्रॉम द फ्लोइंग द बैकवर्ड बैकवर्ड घूमने में जो है ये से क्या करते हैं प्रीवेंट करते हैं देखिए भाई ये जो है आपका जो है ट्रिक स्पीड जो है आपका ट्रिक स्पीड का मतलब क्या द्रिक स्पीड वाल रेगुलेट ब्लड फ्लो बिटवीन द राइट ऑट्रिकल एंड द राइट एंट्रिकल यहां पर ये वाला ये वाला ये जो है आपका राइट ऑट्रीगल है और ये आपका राइट है, वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच में वाल क्या कहलाता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इन दोनों के बीच में वाल जो है कहलाता है नेक्स्ट देखिए भाई पलमनरी वाल पल का मतलब सिंपल सी बात है पल जहां पर आ जाए उसको लंग्स कर देना है यानी कि जो आर्टरी यानी कि जिसको पलमंड्री आर्टरी बोलते हैं लंग्स के पास जाती है उसके नीचे जो वाल लगा होता है उसको कहते हैं पलमनड्री वाल द पलमनरी वाल कंट्रोल द ब्लड फ्लो फ्रोम राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल इन टू द पलमनरी आर्ट्री जो राइट right वेंट्रिकल से पलमनड्री आर्ट्री में है जैसे कि मैं बताता हूं यहां पर यह आपका हर्ट है यह आपका ये चैम्बर है यहां से इसमें से निकलकर हर्ट के पास जाता है सॉरी लंग्स के पास जाता है ब्लड प्योर होने के लिए इसमें से निकल कर इस ये है आपका राइट वेंट्रिकल यहां से निकलकर अब इस फ्लो को यहां पर भेजना है वापिस ना आए इसलिए यहां पर एक वाल लगा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं जिसको हम पलमनरी वाल बोलते हैं ठीक है बस यही है इसका मतलब और कुछ नहीं है ठीक है चलिएगा नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं मिट्रल वाल्व मिट्रल वाल्व का मतलब ये वेंट्रिकल जो आपके जो आपके लेफ्ट हिस्से में एट्रिकल और वेंट्रिकल को रोकता है ये वाला वाल ये वाला वाल ये वाला ये लेफ्ट एट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है इन दोनों के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं मिट्रल वाल बोलते हैं क्या बोलते हैं मिट्रल वाल्व बोलते हैं नेक्स्ट है आपका भी मिट्रल वाल हो गया क्या हाँ हो गए सभी वाल हो गए ठीक है भैया रह गया ना भाई

तीन है राइट right में और मिटल मिट mid कहां पर गए लेफ्ट में मिट गए मिट कहां पर गए लेफ्ट में मिट गए ठीक है ऐसे याद रखना आपको बस ये ही वाल जो हा आपको भूल सकते हो और नहीं भूल सकते आप आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मिट्रल वाल जो है किस किस के बीच में पाया जाता है ठीक है ट, uh, मिट्रल पूछा जाएगा और या फिर आपसे ट्राई का स्पीड पूछा जाएगा क्यों क्योंकि पलमंडरी पूछा नहीं जाएगा क्यों नहीं पूछा जाएगा पलमंडरी के दो नाम में ही स्पष्ट है पलमंडरी है तो यानी कि लंग्स की तरफ जाने वाली जो आर्ट्री है उसके ऊपर पाएगा एरोट्टा एरोटिक है एरोट्टा में जाने वाला तो एरोटिक है तो पूछ ले सकता है पूछ सकता है एग्जामिनर लेकिन मैं बता रहा हूं चलिएगा नेक्स्ट की मैं बात करता तो, हूँ एस ए नोड इंपोर्टेंट भाई साइनो एट रियल नोड इंपोर्टेंट क्यों है ये देखिए सबसे पहले तो ये होता कहां पर है ये आपके राइट और ट्रिकल में होता है कहां पर होता है राइट और ट्रिकल में होता है पहला पॉइंट देखिएगा हर चलता है हट पंप होता है हट चलने की आ, भी सिंपल सी बात है हट एक मशीन है उस मशीन को चलने के लिए बिजली की जरूरत है एकमात्र ऐसा ऑर्गन uh, जिसको बिजली की जरूरत है चलने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जो है हार्ट चलता है ये वाइब्रेशन के थ्रू जो हार्ट चलता है और वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड साइनो एट्रियल नोड से तीन क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं पहला क्वेश्चन लोकेट कहाँ पर होता है तो लोकेट होता है राइट right एट्रियम में दूसरा क्वेश्चन करता क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है तीसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाइब्रेशन के थ्रू किसको चलाएंगे हार्ट को चलाएंगे खेल खत्म देख लेना भाई एस ए नोडो एट्रियल नोड क्या होता है नोड जनरेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट द अपर हार्ट चैम्बर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द द द द सिग्नल देन एट एवी नोड टू लोअर हार्ट चैम्बर क्यों देम टू द कॉन्ट्रैक्ट और पंप यानी कि हार्ट को चलाने के लिए एक सिग्नल रिलीज किया जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वो सिग्नल रिलीज कौन करता है एस ए साइनो ए, साइनो एट्रियल नोड करता है एस ए नोड करता है बस इतना याद रखना है प्रोसेस दो होते हैं इसमें क्या होता होता है एक होता है, दोनों, के दोनों मिलकर हार्ट को चलाते हैं ये सिग्नल देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर इसके पास जाएगा ये पूरे हार्ट में वाइब्रेशन लाएगा और उस वाइब्रेशन से हार्ट पंप करेगा ठीक है तो ये जो है एससी नोड का काम है बस आपको ये याद रखना है द एसेनोड इज कंसिडर्ड एज द पेस मेकर ऑफ हर्ट हालांकि सुनना मेरी बात एक बात बताता हूं आपको इसको पेस मेकर कंसिडर किया जाता है लेकिन पेस मेकर आर्टिफिशियल एसेनोड होता है होता क्या है कई दफा हार्ट में किसी प्रकार का डिफेक्ट आने की वजह से डिफेक्ट ही मान लो

मैंने कहा था ना एस ए नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको भेजता है ए वी नोड के पास ए वी नोड पूरे हर्ट में वाइब्रेशन लाता है और उस वाइब्रेशन से क्या चलता है हर्ट चलता है यही बात बताई पाएगी और कुछ नहीं बताई पाएगी ठीक है देख लो ये वाला है ये एस सी नोड है ये एस ए नोड न, नोड जो है इसके पास है ए वी नोड के पास सिग्नल भेजेगा ये सिग्नल पूरे हर्ट के पास भेज देगा और पूरे हर्ट में वाइब्रेशन आ जाएगी और उससे हर्ट क्या करेगा पंप करेगा ठीक है इतना ही दे रखा कुछ नहीं है इसमें बताने का और समझाने का कार्डियक पेश में नाम है वही वही इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जो आर्टिफिशियल तरीके से डाली जाती है इम्प्लांट की जाती है बॉडी के अंदर टू कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट हार्टरिदम रिदम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ये आर्टिफिशियल देखो ये आप, ये चिप रही ये चिप डाल दी जा है ठीक है यहाँ पर लगा दी जा है ठीक है ताकि पेसमेकर का, का काम कर सके उसके बाद भी एर, आ, एरोटिक वाल एरोटिक वाल अरे यार ये यहां पर आ गया ठीक है कोई नहीं जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसका नाम होता है एरोटा एरोटा के ऊपर जो वाल होता है वो तीसरे वाला जो था ना एरोटिक वाल तो चौथे वाला एरोटिक वाल मैं देख रहा था कहा गया ये ये एरोटा जा रही इस एरोटा के ऊपर ये वो रहा वाल इसको बोलते हैं एरोटिक वाल ठीक है भाई तो ये चारों के चारों वाल पता होने चाहिए आपको कहां पर कौन सा होता है कहां पर कौन सा होता है द एरोटिक वाल ओपन्स द फॉर द ऑक्सीजन रिचड ब्लड टू पास फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में जाने के लिए रास्ता देता है कौन आपका एरोटिक वाल नीचे नहीं आएगा बस इसका काम यही है लार्जेस्ट आर्ट्री ऑफ द बॉडी है कौन भी एरोटा ये मैं बता चुका हूँ आपको ये सारे के सारे आपके वाल दोबारा के दोबारा जो है हाँ आपको दे दिए गए हैं आपको कर लेने हैं ये वाला आपका मिट्टल वाल है ये किस किस में लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल है ये वाला ये वाला इसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल और ये राइट ओर्ट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में उसको बोलते हैं ट्राइक स्पीड वाल ठीक है और एरोटा वाला नहीं दिया क्या इसने एरोटा वाला नहीं दिया अब ठीक है मैं बता देता हूं एरोटा जो होती है एरोटा जो होती है एरोटा के ऊपर जो वाल होता है उसको बोलते हैं एरेटिक वाल एरोटिक वाल और पलमनरी के ऊपर पलमनरी पलमनरी आर्टरी के ऊपर जो वाल होता है उसको बोलते हैं पलमनरी वाल बस खेल खत्म भाई चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं सेप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सेप्टम सिंपल शब्दों में समझाऊं सिंपल शब्दों में ही बता देता हूँ देखिए हार्ट को दो भागों में डिवाइड करने वाली जो लेयर है ना वो सेप्टम कहलाती है ये रही ये रही देखो ये हार्ट है ये हार्ट है मैं मेरे वाला हार्ट बनाता हूँ ये मजा आता है मेरे को ये हार्ट ये राइट right और ये लेफ्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया लेफ्ट एंड राइट इसको बोलते हैं सेप्टम हार्ट को टू पार्ट में डिवाइड करने वाली लेयर को सेप्टम बोलते हैं सिंपल शब्दों में कहूं तो ये राइट right और ये लेफ्ट क्या करती है सेप्टम सोच के देखो इस हार्ट में कैसा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड इसमें कैसा है सीओ टू वाला ब्लड तो क्या करेगी सीओ टू ब्लड को ओटो में मिलने से रोकेगी कौन भाई सेप्टम बस यही काम इसका और कोई काम नहीं है बीच की लेयर बीच की प्रत जो है वो क्या कहलाती है सेप्टम कहलाती है अब आ जाओ द हार्ट इज सेपरेटेड बाई थि वाल सेप्टम इट इज टू टाइप हाँ दो टाइप होती हैं इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली नाम अलग अलग कर दिए कुछ नहीं है द सेप्टम विच इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एंड राइट एट्रियम के बीच में जो पाई जाती हैं उसको बोलते हैं एट्रियम सेप्टम और नीचे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम ऊपर वाली को एट्रियम सेप्टम मैंने क्या कहा ये 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 सेप्टम है ऊपर वाली है ना ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली इसको इसको बोलते हैं एट्रियम सेप्टम ठीक है और ये वाली नीचे वाली बच गई ना इसको बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टम ठीक है ये वेंट्रिकल है ये एट्रियम है ये मैं बार बार करवा रहा हूं मेरे हिसाब से इतना याद आपको हो जाना चाहिए जिंदगी में कभी नहीं भूलना आपको चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट भी एट्रियल नेट, नेट्यूरेटिक फैक्टर ए एन एफ बहुत इंपॉर्टेंट ए एन एफ वो हार्मोन हार्मोन है टीसीएस का, का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको पूछा गया था एग्जाम एक एक में आप ये मान सकते हो इतने लेवल की बात जो है पूछी गई थी क्योंकि हार्ट भी एक हार्मोन रिलीज करता है और जिसका नाम क्या है जिसका नाम है ए एन एफ एन एफ हार्मोन इज रिलीज बाय विच ऑर्गन ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आप याद रखना हार्ट रिलीज करता है इस हार्मोन को इट इज मेड ऑफ प्रोटीन हार्मोन ये जो है एक आपका प्रोटीन हार्मोन है इज सेक्रेटेड कार्डियक कार्डियक का मतलब होता है हार्ट हार्ट के द्वारा जो है ये रिलीज uh, किया जाता है इट इनकाउंटर टू द हाई ब्लड प्रेशर थ्रू द हार्ट मसल सेल इसका मतलब क्या है लैंग्वेज थोड़ी हार्ड कर रखी है मैं सिंपल शब्दों में बताऊं आपको ये ब्लड प्रेशर के विपरीत छोड़ा जाता है मतलब ब्लड तो फ्लो कर रहा है यहां पर इधर बीपी ब्लड प्रेशर ब्लड तो फ्लो कर रहा है इधर और आर्ट छोड़ देगा इसको इधर यानी कि काउंटर टू उल्टा उल्टा ब्लड प्रेशर की से उल्टा जो है छोड़ा जाता है कौन सा भी हार्मोन नाम क्या है एनएफ इंपॉर्टेंट है बहुत ही लेवल का क्वेश्चन बनता है यहां से आपको याद रखना है इधर देखना भाई ब्लड वेसल्स के बारे में बताया गया है ये मैं सारी की सारी ब्लड वेसल्स आपको बार बार बता रहा हूं ठीक है रेड कलर है यानी कि आर्टरी है ये सारी की सारी यानी कि ये आर्टरी है रेड कलर है यानी कि इनके अंदर सीओ ऑक्सीजन वाला ब्लड है लगभग सभी में ठीक है इसकी क्वालिटी है, क्या है ये हार्ट से लेकर कहां पर जाती है हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर ऑर्गन्स के पास जाती है ये इसकी क्वालिटी है दूसरी ब्लू कलर दिखा रखा है तो ये सारी की सारी वेन है क्या ये वेन है कहां से कहां से तक चलती है ऑर्गन से हार्ट के पास जाती है और क्या लेके जाती हैं सीओ टू ब्लड लेके जाती हैं कौन सा ब्लड लेके जाती हैं सीओ टू और बीच में ये अपने ब्लड को जब एक्सचेंज करती हैं तो बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं बहुत ज्यादा पतली सबसे पतली ब्लड वेसल हो जाती हैं जिनको अपन बोलते हैं कैपिलरीज क्या बोलते हैं कैपिलरीज ये बीच में जब ये दोनों अपने ब्लड को एक्सचेंज करती हैं भाई बॉडी ने ऑक्सीजन को ले लिया सीओ टू को छोड़ दिया तो एक्सचेंज तो होंगी एक जगह पे तो उसको बोलते हैं कैपिलरीज क्या बोलते हैं कैपिलरीज देख लो भाई ए ट्यूब थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी वो ट्यूब जो जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स इंक्लूड ए नेटवर्क ऑफ आर्टरीज कौन कौन होती हैं आर्टरीज एंड वीन ये तो आपने सुन ही लिया और तीसरी आपने सुन ली कैपिलरीज भाई आर्टरी तो होगी प्योर ब्लड वाली ऑक्सीजन वाली वेन होगी इम्प्योर ब्लड वाली देखिए मैं सिंपल शब्दों में बताऊँ आपको ये जो बार्धिक क्रिएना आपको ब्लू कलर की ये आपकी वेन है इनमें डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है न इनके अंदर प्रेशर है क्योंकि प्रेशर तो उसमें होगा जो हार्ट पंप करेगा और हार्ट को पंप कौन करता आर्टरीज ये भगवान ने अंदर बनाई है ये बाढ़ क्रिएना ये वेन ये वेन है वेन ये है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें और इनमें प्रेशर भी नहीं है और ये जो है ना ये बहुत पतली है मतलब वो मजनू लोग होते हैं वो काट लेते हैं अपने हाथों को कट जाती है कोई दिक्कत नहीं है कट गई तो कटगी भाई ज्यादा देर तक अगर अगर ब्लड फ्लो नहीं हुआ रोक लिया गया तो व्यक्ति बच जाएगा लेकिन आपकी आर्टरी होती है अंदर और मोटी होती है भगवान ने सोच समझ के बनाई उनको और अंदर रखा उनको क्योंकि कहीं मजनू काट लें मजनू काट लेंगे तो पिचकारी लगेंगी ऐसे ऐसे इतनी जल्दी ब्लड फ्लो हो जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी हाँ ये मैं उनको बताना चाहूंगा ये कोई मजनू लोग कहीं हाथ को काटने के चक्कर में वेन कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है गलती से आर्टरी कट गई थोड़ी नीचे ब्लेड चली गई तो फिर है ना बचा नहीं पाएगा कोई आपको मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा बचना इतनी जल्दी ब्लड फ्लो होगा डॉक्टर के पास जाओगे ना जब तक तो काम तमाम ठीक है चलिएगा ये आपके बारे में हाँ मैं बात क्या किसकी कर रहा था मैं बात कर रहा था ये क्या आगी आर्ट्रियल्स क्या होती हैं और विनल्स क्या होती हैं ये देखिए जब आर्टरी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है ना बहुत ज़्यादा पतली उनको बोलते हैं आर्ट्रियोल्स और जब वेन वेन जो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है उनको बोलते हैं विनोल्स ठीक है ये आगे आएंगे अपन जो आगे करेंगे देखिएगा भाई ब्लड वेसल्स में वेन क्या करती हैं बताने की जरूरत पड़ेगी क्या सीओ टू को सप्लाई करती हैं किसको सप्लाई करती हैं हार्ट से ऑर्गन के पास लेके जाती हैं कहाँ से कहां निकलती है कहाँ जाती हैं सारी बता चुका हूं मैं वी इन सप्लाई ड्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सी ओ टू वाला ब्लड टू द हार्ट वी आर द इनफेरियर एंड सुपीरियर वेना कहवा एंड इट इवेंचुअली ड्रेन्स इन टू द राइट एट्रियम ये क्या करती हैं ये हार्ट हो गया ये चार चेंबर हो गए ये आपके ऑर्गन्स हो गए ऑर्गन से यहां पर दो ऊपर वाले ऊपर वाले ऑर्गन से कौन लेके आएगी सुपीरियर वेना कावा नीचे वाले से कौन लेके आएगी इंटीरियर वेना कावा और कहां पर डाल देंगे इस हिस्से में डाल देंगे और इस हिस्से का नाम क्या है इस हिस्से का नाम है राइट ऑर्ट्रियम क्या नाम है राइट क्लियर है इससे आसान नहीं बता सकता इससे आसान में समझा ही नहीं सकता द पल वेन पल पल का मतलब लंग्स के पास जाएंगी ये लंग्स के पास जाएंगी वेन है पर पर क्या है वेन है वेन का मतलब वेन का मतलब ऑर्गन से हार्ट यानी कि ऑर्गन आपकी कौन है पल है तो मतलब ऑर्गन कौन आपका लंग्स और लंग्स से हट के पास यहां पर और इनके अंदर कैसा ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड द द वेन वेन इज ओनली टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाखों करोड़ों वेनों में से केवल ये ही वेन ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट औरल ये मैंने बताई दिया बताने की जरूरत क्या बार बार वही बातें कंफ्यूज कर रही हैं इधर देखिए भाई ये आगे भी वेनुल्स क्या होती हैं आर द स्मॉलेस्ट एंड द द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरी कैपिलरी से अब क्या किया था मैंने ऑक्सीजन वाला ब्लड चेंज हो रहा था एक्सचेंज हो रहा था किसके साथ डीऑक्सीजनेटेड के साथ उस हिस्से को कैपिलरी कह रहे थे हम तो कैपिलरी से पतली पतली वेन होती हैं जो क्या क्या करती करती हैं करती हैं 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 ब्लड को उनको बोलते उसके बाद भी सुपरफिशियल वेन क्या होती हैं और जो है आपकी डीप वेन क्या होती हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और जान लेना सुपरफिशियल वेन आर लोकेटेड इन फेटी लेयर अंडर स्किन बिल्कुल ये बाहर दिख ना ये वाली ये।, ये मैं पकड़ भी सकता हूं इनको ये ये जो हाँ आपकी सुपरफिशियल फिशियल फिशियल है सुपरफिशियल मतलब ऊपर ही दिख रही है दे कैरी ब्लड फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू टू डीप वेन ये जो है डीप वेन ये क्या करती हैं ये रक्त को आसपास के उत्कों से गहरी सीराओं तक लेकर जाती हैं हाँ भाई ये क्या करती हैं यहाँ के जितने भी टिश्यू हैं यहाँ से ब्लड लिया और किन के पास ले जाएंगी डीप वेन के पास ले जाएंगी डीप वेन आर फाउंड इन मसल एंड अलोंग बोन्स मसल अंदर मसल और बोन इनके अंदर जो वेन पाई जाती है उनको क्या कहते हैं डीप वेन कहते हैं दिखे ही नहीं डीप वेन नहीं दिखेंगी वाली दिखेंगी वाली का क्या नाम है सुपरफिशियल वेन दे हैव द इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन सुपरफिशियल से ब्लड लेने का एंड द पंपिंग इट टू द हार्ट काम किसका भी ये डीप वेन का काम है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कि हार्ट के पास जो वेन ब्लड लेके आती हैं उन वेन्स को क्या कहते हैं तो उन वेन्स को कहते हैं डीप वेन और जो टिश्यूज से ऑर्गन से ब्लड लेके आती हैं उनको कहते हैं सुपरफिशियर वेन जो बाहर होती हैं सुपरफिशियर वेन अंदर होती हैं डीप वेन ये चीजें यहां पर याद रखिएगा यहां पर देखिए सिस्टेमिक वेन भी होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है द ट्रांसफॉर्म ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू तो द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट ये जो है ब्लड टिश्यू से राइट ओट्रियम तक ब्लड को पहुंचाती है उनको क्या बोलते हैं सिस्टेमिक वेन्स बोलते हैं द ब्लड हैज रिड्यूस्ड ऑक्सीजन रिड्यूस्ड ऑक्सीजन का मतलब है भाई CO2 वाला ऑक्सीजन मतलब CO2 ऑक्सीजन निकला हुआ ब्लड CO2 वाला ब्लड कंटेन बिकॉज़ द ऑक्सीजन हैज बीन यूज़ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द टिश्यू सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी रिएक्शन करके ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एटीपी बना लेता है और क्या छोड़ देता है आपकी

डैट ओपन एंड क्लोज टू कीप बल्ड फ्लोइंग टू आर्ड द हार्ट यानी कि हार्ट तक वॉल होता है ये तो हो चुका ना वन वे वाल्स इन साइड द ओपन हाँ ये वॉल होते हैं ये नीचे की तरफ लेके जाते हैं वी कैन डैमेज वॉल्स एंड दॉल्स इन दिन कैन क्यूज ब्लड टू पुल एंड इवन द बैकवर्ड अच्छा ये क्या कर रहा है कि वेरी कोज वेन जो हैं उनके बारे में बता रहा है का? एक मिनट के लिए रुकना भी ये गलत तो नहीं कर दिया

जो होती हैं सबसे छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं जहां पर वेन और आर्टरी आपस में अपना ब्लड एक्सचेंज करती हैं तो यही बात मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी पढ़ लेना फिर भी अट द स्मालेस्ट एंड मोस्ट नंबर सबसे ज्यादा कौन होती है क्वेश्चन पूछ सकता है कौन होती है कैपिलरीज होती हैं दैट फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द वेसल्स दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरीज एंड वेन के बीच में कनेक्शन करती हैं बता दी आर्टरी मस्कुलर वाल्ड मेनली इन द द द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन ये मैंने आपको बता दिया कौन सी होती हैं जो हार्ट से ऑर्गन चलती हैं हार्ट टू ऑर्गन चलती हैं पहला क्वेश्चन कैसा ब्लड रखती हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड रखती हैं दूसरा क्वेश्चन कैसी होती हैं ये मस्कुलर थिक होती हैं क्या होती हैं थिक होती हैं मोटी होती हैं वेन पतली होती हैं ये मैं आपको बता चुका हूं द एरोटा एरोटा आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी जो हट से निकलती है एक ही निकलेगी कहां से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से द एरोटा इज लार्जेस्ट ऑफ द आर्टरीज इट द मेनी स्मॉलर आर्टरीज थ्रो द बॉडी बहुत से में जो है डिवाइड हो जाएगी आफ्टर द टिश्यू इज फॉर्मड इट डिड इंटू कैपिलरीज और लास्ट में कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि कैपिलरी में तो डिवाइड होना ही पड़ेगा ना एक्सचेंज भी तो करना ब्लड द दलमनरी आर्टरी करवा चुका पलमनरी आर्टरी इज ओनली आर्टरी टू कैरी द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड सीओ टू वाला ब्लड रखती है जो हार्ट से ऑर्गन तक सॉरी लंग्स के पास जाती है लंग्स वाली पलमनरी ठीक है राइट राइट पलमनरी आर्टरी इज लॉन्गर देन द लेफ्ट जो पलमनरी आर्टरी जो होती है दो होती हैं उनमें राइट right जो होती है वो बड़ी होती है और जो होती है हो, लेफ्ट वाली जो होती है वो छोटी होती है इट कैरी ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग ये मैं करवा चुका हूँ लंग्स की तरफ जो है आ, ये ब्लड को कैरी करती हैं कोरोनरी आर्टरी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी भाई कोरोनरी आर्टरी इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ देखिए भाई हट भी तो ऑर्गन है उसको भी तो ब्लड की जरूरत है उसको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है सिंपल से भाई कोई भी ऑर्गन होगा उसको ऑक्सीजन तो चाहिए बिना ऑक्सीजन तो काम कैसे चलेगी तो यहाँ से एरोटा निकली एरोटा से बहुत सी आर्टरीज निकली ब्लड लेकर सभी ऑर्गन्स के पास लेकिन एक आर्टरी एक आर्टरी हार्ट से हट के पास ही आ गई बोली कि भाई हार्ट बोला कि भाई मेरे को भी ऑक्सीजन चाहिए मेरे को तो दे जा अब मोटर चल रही है उसको बिजली तो चाहिए चले तो वो किसी से तो बोले कि भाई मेरे को भी चाहिए मेरे पास भी मसल है मेरे पास भी सेल है उनको भी एनर्जी बनानी है एनर्जी ऑक्सीजन से बनेगी मतलब भाई मेरे को भी एक जो है ऑक्सीजन दे उसके लिए एक नल के निकल के पर आठ से आठ के अंदर आ जाती इसको है इसको अपन बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी मैंने आपको बताया ना कोर कार्ड ये वर्ड किसके हैं हार्ट के हैं तो ये सुन लेना आर द मेजर ब्लड वेसल इन द बॉडी सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट हार्ट से हार्ट तक ब्लड सप्लाई करती है ठीक है दे मेक इट पॉसिबल फॉर द हार्ट टू बीट एंड पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी भी सिंपल सी बात है ये ही क्या करेगी ये ही ऑक्सीजन देगी ऑक्सीजन ही एनर्जी बनाएगी और एनर्जी से ही हार्ट चलेगा सिंपल सी बात है उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा हाँ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मेरे को मन कर रहा है मेरा ये कोरोनरी आर्टरी जो ना इसमें अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ब्लॉकेज आ गई इसके अंदर कुछ भी हो गया तो एक बात याद रखना हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंच पाएगा हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो सिंपल सी बात है भाई हार्ट के पास दिक्कत हो जाएगी और ये जितनी भी एंजाइना हार्ट अटैक हार्ट फेल्योर ये सारी जितनी भी बीमारियां होती हैं ये कोरोनरी आर्टरी में ही ब्लॉकेज की वजह से होती हैं एंजाइना होता है स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में हार्ट के अंदर पेन होता है लिटल लिटल उसके बाद mm. उसको बोलते हैं एंजाइना कंटिन्यूस पेन इन हार्ट इज कॉल्ड एंजाइना एंड आफ्टर दैट बहुत ही स्ट्रोंग मतलब बहुत ही तेज दर्द होता है जो मतलब हम उसको सहन नहीं कर सकते उसको बोलते हैं उसको बहुत तेज दर्द होना एक बार होगा फिर बंद हो जाए उसको बोलते हैं हार्ट अटैक मैक्सिमम तीन बार आ सकता है हार्ट अटैक हार्ट अटैक में क्या होता है बहुत तेज हार्ट में दर्द होके फिर रुक जाता है ठीक है इतना ज्यादा तेज हो जाता है कई बार बेहोश भी हो जाते हैं ठीक है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक और एक होता है हार्ट फेल्योर फेल्योर फे अब नहीं बचेगा गया खत्म टाटा बाय बाय कई कई लोग क्या सोचते हैं गांव वगैरह में इसको तो 20 बार हार्ट अटैक आ चुका है नहीं वो हार्ट अटैक नहीं वो एंजाइना है ये फेज हैं तीन फेज कौन सी हैं कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गई पहला फेज होगा एंजाइना कंटिन्यूस पेन इन हार्ट फिर होगा हार्ट फेल सॉरी हार्ट अटैक यानी कि बहुत तेज दर्द होके अटका रुक के वापिस स्टार्ट हो जाना वो फिर होगा हार्ट फेल्योर फेल्योर का मतलब गया री के फार्म थोड़ी चल रहे हैं बरदोगे यूनिवर्सिटी में और दोबारा री टूट जाएगी दोबारा पास हो जाओगे फेल का मतलब फेल अब नहीं बचेगा ये बात आप याद रखिएगा वो एंजाइना था बार बार जो पेन हो रहा था दर्द में मतलब हार्ट में फिर डॉक्टर वाल डाल रहा था फिर पेन हो रहा था फिर डाल रहा था क्योंकि डॉक्टर्स को तो लूटना है वो आपको सच्ची सच्चाई क्यों बताएंगे सच्चाई बता देंगे तो उनके पैसे कहाँ जाएंगे पैसे कौन देगा भाई उनको वो सच्चाई कभी नहीं बताते हैं मैं नहीं बताऊंगा डॉक्टर्स के बारे में भाई क्यों बताऊं भी मैं डॉक्टर्स के बारे में आप समझो पढ़े लिखो बनो आपको पता होना चाहिए कब क्या होता है कहाँ पर डॉक्टर लूटते हैं ठीक है सबसे ज्यादा लूटते हैं डॉक्टर मैं ये बात बिल्कुल नहीं बताऊंगा नेक्स्ट भी आर्टेरियोल्स वही जैसे वेन पतली हो जाती है वैसे ही आर्टरी भी पतली हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल्स स्मॉल ब्लड आर्टरी आर कॉल्ड आर्टेरियोल्स जो क्या करती हैं जो ब्लड को एक्सचेंज करती हैं ठीक है वो वाली जो है आपकी आर्टेरियोल्स वो कहलाती हैं चलिएगा अच्छा भाई बच्चे पूछ सकते हैं मैं यहीं पर बता देता हूँ इस ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये डिसऑर्डर होंगे फिर बच्चे सोच रहे हैं कि सर बीपी कब होता है हाई ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन लो ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन ये कब होता है जब आपकी कोई भी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है तो देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये आर्टरी का साइज इतना था नल की आइटरी और ये कितनी हो जाएगी इतनी हो जाएगी अब प्रेशर ज़्यादा होगा या कम कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा आप नलकी घर में क्या करना थोड़ा दबा के देखना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रोल बढ़ने पर हाई ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल घटने पर यह चोरी हो जाएगी तो लो ब्लड प्रेशर सिंपल फंडा है हाइपर और हाइपोटेंशन का चलेगा ब्लड देखना भाई ब्लड इंपॉर्टेंट आ गया भाई ब्लड आ गया क्योंकि ब्लड ही तो सभी चीजों को फॉलो कर मतलब ब्लड ही तो क्या कर रहा है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ही ऑक्सीजन को जो खा रहे हैं उसको हॉर्मोन्स को कार्बन डाइऑक्साइड को लाना इन सभी को ले लजा कौन रहा है ब्लड ही ले जा रहा भाई ब्लड को ही पंप करने में लगा हुआ था अब तक हार्ट ब्लड के बारे में जान लेते हैं वट इज ब्लड ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बगैर आप ये मान सकते हो कुछ नहीं है इट इज फ्लूड इन ह्यूमन एंड द अदर एनिमल दैट कैरीज द एसेंशियल सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन टू 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 बहुत सी चीज़ों को जो है कैरी करता है पूरी बॉडी के अंदर उसको क्या कहते हैं ब्लड कहते हैं उसका काम मेटाबॉलिज्म में होता है क्या होता है क्या नहीं होता लेकिन वास्तव में ब्लड क्या करता ब्लड न्यूट्रिएंट्स हार्मोन ऑक्सीजन सीओ टू इन सभी को कैरी करता है ठीक है द फ्लोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ए आर फाउंड इन ब्लड विच हेल्प्स टू परफॉर्मिंग बॉडीली फंक्शंस ये मतलब सारा का सारा इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है आपका ब्लड सभी को ट्रांसपोर्ट तो करता है सभी चीज़ों को लेकर तो जाता है उसके साथ बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है इस चीज़ को आप थोड़ा मार्क कर लेना क्वेश्चन आ सकता है इधर आ जाओ भाई ब्लड के बारे में बता रहा हूं ब्लड जो है सेवन परसेंट पाया जाता है टोटल का एग्जैक्ट डाटा भी कोई भी, भी नहीं करेगा पांच से छह लीटर सात लीटर आठ लीटर दस लीटर कुछ नहीं भाई टोटल वेट आता मैं खाता हूं मैं देखो भाई टोटल वेट का मतलब क्या है कई दफा टीसीएस ने एग्जाम में पूछ रखा है ये कि किसी व्यक्ति का वेट अस्सी के जी है तो उसके अंदर ब्लड की अमाउंट कितना होगा तो भाई आपको एक बात याद रखनी सात परसेंट के चलो मेरे शरीर में अस्सी के जी वेट है तो सात परसेंट इसका तो कितना हो गया भैया ये ये काट के आप पांच पॉइंट छा जाएगा परसेंटेज का नीचे सो जाता है ना और मैथ के टीचर से सीख लेना ज्यादा मेरे को तो इतना ही मैथ आता है तो बता दिया आपको परसेंटेज का मतलब क्या है सात बटे में सो बस इतना करना आपको ठीक है इसकी पी वैल्यू जो है सात होती है इट इज बेस यह बेस होता है सात सौ पर बेस होते हैं ठीक है उसके बाद एवरेज देर इज एवरेज ऑफ पांच से छ लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी मान लू चलो भाई आप कर लो भाई पांच से छह लीटर कर लो कोई दिक्कत नहीं है इसका ठीक है भाई लेकिन आपको याद रखना एग्जैक्ट वैल्यू सात परसेंट है पर बॉडी वेट जितना बॉडी का वेट है उसका सात परसेंट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो इंपॉर्टेंट है सुन लेना जितनी भी ब्लड सेल्स हैं ब्लड सेल कौन कौन सी हैं आरबीसी बी बी सी प्लेटलेट्स ये जितनी भी ब्लड सेल्स हैं सारी की सारी कहां बनती हैं ये सारी की सारी बोन मैरो में बनती हैं बोन मैरो के सर जी बोन के बीच में कोई भी बोन है बोन के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है इस लिक्विड को हम बोलते हैं बोन मैरो क्या बोलते हैं बोन मैरो और द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होती भी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड होती है आपकी बोन मैरो में एक क्वेश्चन और बता रहा हूं बोन मैरो तो चार साल के बाद बनती है चार साल के बच्चे बोन मैरो बननी स्टार्ट होती है चार साल तक का जो चाइल्ड होगा उसमें ब्लड कहाँ बनेगा ब्लड सेल वहां कहाँ बनेगी भाई इसने कह दिया कि ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन बोन मैर बोन मैरो हमारी बोन मैरो में बनती हैं इस बच्चे की क्या गलती है इसमें तो बोन मैरो ही नहीं है क्या इसमें ब्लड नहीं होगा होगा भाई सुन लेना चार साल के बच्चे का जो ब्लड बनेगा वो लीवर में बनेगा कहाँ बनेगा ब्लड लीवर में ये याद रखना देखिएगा भाई बोन मैरो बनाती है ब्लड को ब्लड का मतलब आर बी सी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स इनसे ही ब्लड बना होता है बोन मैरो का, का काम ही एक है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यू मैरो की भी तो एक quality है, ये भी तो तो है, ये नहीं बनती, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर उनकी उनकी के के अंदर, अंदर बोन मेरो नहीं पाई जाती, चार साल के बाद बनती है बोन उसके बाद तो बोन काम संभाल लेगी लेकिन उससे पहले कौन बनाएगा? तो उससे पहले बनाएगा लीवर कौन बनाएगा लीवर देखिए बोन का जन्म कहां होता है बोन मेरो में लेकिन बोन की मृत्यु कहां होती है डेथ तो बोन की डेथ होती है स्प्लीन में ये भी इंपॉर्टेंट है कर लेना प्लीहा ये आपका स्टेमक था स्टेमक के नीचे पैनक्रियाज थी और पैनक्रियाज के साइड में बीन लाइक स्ट्रक्चर अपन बोलते स्प्लीन यहीं पर बोन की सॉरी आपके ब्लड की डेथ होती है आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यू इनका कोई ना कोई लाइफ स्पेम होता है उसके बाद ये वहां पर जाकर मर जाती हैं इसीलिए रक्त का कब्रिस्तान ब्लड का कब्रिस्तान जो है वो बोन मैरो को कहा जाता है एक्स्ट्रा ब्लड भी कहाँ स्टोर होता है बोन मैरो में ही होता है ये बात आप सॉरी स्प्लीन में होता है एक्स्ट्रा ब्लड का कहाँ स्टोर होता है स्प्लीन में ब्लड की मृत्यु कहाँ होती है स्प्लीन में ब्लड का कब्रिस्तान कौन होता है स्प्लीन बोन मैरो गलती से कह गया गलती हो गई चलिएगा स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी देखिए जहां भी हेमेट रूट वर्ड मिले वहीं पर किसको ठोक देना ब्लड को ठोक देना हेमेटोलॉजी द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी नेक्स्ट पर चलते हैं भाई देखिए भाई मैं थोड़ा है इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद प्लाज्मा पे चलूंगा ब्लड जो होता है ना ब्लड सुन लेना भाई ब्लड जो होता है ना ब्लड यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लड कंपोजिशन ऑफ ब्लड करवा रहा हूं आपको ब्लड टू टाइप्स दो चीजों से बना होता है एक तो इसके अंदर होते हैं सोलिड सबस्टांस और एक होता है आपके एक होते हैं लिक्विड सब्सटेंस और एक होते हैं सोलिड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे लिक्विड सब्सटेंस ब्लड में कौन होता है लिक्विड सब्सटेंस एक ही होता है जिसका नाम है प्लाज्मा यानी कि लिक्विड सब्सटेंस होता है वो पिचपन परसेंट ब्लड के पूरे का पिचपन परसेंट लिक्विड होता है सोलिड सब्सटेंस होते हैं आपके आरबीसी रिथ्रोसाइड डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स ये होते हैं आपके सोलिड पार्ट्स इसके ब्लड के तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड मैंने आपको बता दिया है ब्लड ये पैंतालीस परसेंट होता है सोलिड पार्ट को ब्लड कार्पल सेल्स बोलते हैं ब्लड कार्पल सेल्स बोलते हैं ब्लड कार्पल सेल्स कितनी होती है ब्लड में ब्लड में कार्पल सेल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं तीन होती हैं आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट सबसे ज्यादा आरबीसी होती हैं उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे कम डब्ल्यू बी सी होती हैं ठीक है ये बात भी आप याद रखना सबसे ज़्यादा कौन होती हैं आर बी सी होती हैं साढ़े चार से पाँच लाख के करीब होती हैं सॉरी मिलियन होती हैं साढ़े चार से पाँच मिलियन होती हैं और डेढ़ से चार लाख जो प्लेट है प्लेटलेट्स होती हैं और डब्लू बी सी बहुत कम होती हैं ये रेशियो पर होती हैं मतलब छः सौ आर बी सी होंगी ना तो छः सौ आर बी सी के ऊपर एक डब्लू बी सी मिलेगी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कि हम ये कह देंगे डब्लू बी सी बॉडी में इतनी होती है नहीं आर बी सी के ऊपर डिपेंड करता है छह सौ आर बी सी पे एक डब्ल्यू बी सी ये रेशियो होता RBC, है आर बी सी रेशो डब्ल्यू बी सी ठीक है चलिएगा प्लेटलेट्स मैंने बताई दिया पिचपन परसेंट प्लेटलेट्स सॉरी प्लाज्मा जो है पचपन परसेंट लिक्विड लिक्विड में कुछ को नहीं नब्बे परसेंट जो है वाटर है इसमें नब्बे परसेंट वाटर है और प्रोटीन है और छह परसेंट प्रोटीन है और भी बहुत से मटेरियल है ठीक है ये आगे करेंगे हम अब आ जाओ भाई प्लाज्मा था अब आपको क्लियर होगी पिक्चर कि प्लाज्मा क्या है अब आ जाओ यहाँ पे प्लाज्मा प्लाज्मा इट इज स्लाइटली स्टिकी येलोइ कलर लिक्विड दैट कंटेन्स द डिजोल्व प्रोटीन मिनरल आयन ग्लूकोज हार्मोन्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूडिंग द ब्लड सेल्स ये क्या क्या लिए हुए देख लेना ये एक येलोइस कलर का हल्के पीले कलर का जो है पिगमेंट है भाई और जो क्या करता है अभी जो इन सभी को प्रोटीन्स को मिनरल्स को ग्लूकोज को इन सभी को कैरी करता है हारमोन्स को इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है भाई यहाँ पर सीओ टू हटा देना भाई सीओ हटा देना गलती से लिखी गई है इसको हटा देना सीओटो को हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन और सीओ टू को तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है और सभी चीज़ों को प्लाज्मा कैरी करता है ब्लड में अगर पूछे आपसे प्रोटीन को मिनरल्स को ग्लूकोज को हार्मोन को इन सभी को कौन कैरी करता है तो आपको आंसर करना प्लाज्मा और आपसे क्वेश्चन पूछे ऑक्सीजन और सीओ टू को कौन कैरी करता है तो आपको आंसर करना आरबीसी की आरबीसी की हीमोग्लोबिन आरबीसी की हीमोग्लोबिन अबाउट 90 परसेंट ऑफ प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर नब्बे परसेंट पानी होता है और प्रोटीन वगैरह होती है प्रोटीन कौन कौन सी होती है मेनली तो तीन होती हैं लेकिन सबसे मेन प्रोटीन जो है एल्बुमिन ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जाता है, पाई है? Osmo, uh, को नियंत्रित करने वाली प्रोटीन एल्बुमीन है पिचपन परसेंट ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा पिचपन परसेंट पूरे ब्लड का पिचपन परसेंट प्लाज्मा पैंतालीस परसेंट जो है सेल्स पाई जाती है एक और प्रोटीन है भाई प्लाज्मा में जिसका नाम है ग्लूबीन, क्या नाम है सॉरी भी ग्लोबुलीन ग्लोबुलीन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन लीवर फंक्शनिंग ब्लड क्लोटिंग एंड फाइटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन ये भी कहाँ पाई जाती है ये भी आपके प्लाज्मा में पाई जाती है प्लाज्मा में तीन पाई जाती है एल्बुमिन, ग्लोबुलीन और फाइब्रिनोज़ीन तीन पाई जाती हैं ठीक है ये आई गया तीसरी है फाइब्रिनोजिन ये भी प्रोटीन है तीसरी प्रोटीन ये दूसरी प्रोटीन ये तीसरी प्रोटीन ठीक है तीन प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में ठीक है तो तीनों प्लाज्मा की प्रोटीन और इनके जो है काम जो है आपको पता होने चाहिए चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कोएगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कोएगुलेशन ब्लड का क्लोट होना कोएगुलेशन क्लोटिंग ऑफ ब्लड क्लोटिंग ऑफ ब्लड देखिए कोगुलेशन अगर बाहर अगर कोगुलेट हो रहा है ब्लड तो ठीक है कट लग गया बाहर ब्लड कोगलेट हो गया ठीक है जम गया ठीक है अगर ब्लड अंदर कोगलेट होने लगा ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी कोगलेट नहीं होना चाहिए शरीर के अंदर ब्लड बॉडी के अंदर कोगलेट नहीं होना चाहिए इसीलिए ब्लड शरीर में कोगलेट ना हो इसलिए बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिपेरिन क्या नाम है हिपेरिन आपसे पूछ सकता है शरीर के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोट होने से बचाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है हिपेरिन प्रोटीन प्रोटीन जो है एंटी कोगलेटिंग एजेंट है कोगलेटिंग एजेंट है एंटी कोगलेटिंग एजेंट कौन अभी हिपेरिन प्रोटीन है ब्लड में पाया जाता है जैसे ही ब्लड बाहर आता है हिपेरिन प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि बाहर आने के बाद तो जमने की जरूरत है क्लोट होना जरूरी है चलिएगा इट इज द प्रोसेस बाई विच ब्लड चेंज इन टू द लिक्विड एंड बिकम द थिकर लाइक द जेल ये जो होता है ब्लड क्लोट होने लग जाता है मेनली ये कब होता है मैं बता देता हूँ या तो तोरियन प्रोटीन की कमी हो जाए बॉडी में जब ब्लड कोगलेट होगा शरीर के अंदर कब होगा बाहर तो कब होगा मैंने आपको बता दिया शरीर से बाहर निकलेगा तो क्लोट होगा ठीक है अंदर या तो इपेरियन प्रोटीन की कमी हो जाए दूसरा जो पॉइंट जो होता है ब्लड के कलोट होने का वो क्या होता है मतलब लिक्विड से थिक कर कब होता है ये कोगलेटिंग जब गलत ब्लड ग्रुप डाल दिया जाए बॉडी में मान के चलो किसी का ब्लड ग्रुप है ए और उसको डाल दिया बी तो ये रोंग है ब्लड ग्रुप रोंग है ब्लड ग्रुपिंग आगे करवाऊंगा मैं किसको कौन सा ब्लड डालना चाहिए क्या फंडा होता है ब्लड ग्रुपिंग का ये मैं बताऊंगा तो रोंग एंटीजन मिलने से जो है ब्लड कोगलेट हो जाता है और एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप बना होता है तो ये मैं आगे करवाऊंगा द सेशन ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम ए डैमेज टिश्यू क्योज द हेमोस्टेसिस हेमेस्टेसिस क्या होता है भाई क्षतिग्रस्त अगर आपके कोई डेमेज टिश्यू है वहां से खून की कमी की होने की वजह से या खून कम होने से को क्या कहते हैं हम हेमोस्टेसिस हेमोस्टेसिस कहते हैं ऑर्डर ऑफ थ्री टाइप ऑफ सेल्स अप ऑफ 45 परसेंट ऑफ ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती हैं 45 परसेंट पाई जाती हैं ये आगे देखिएगा देखिएगा इट इज टाइप ऑफ ब्लड सेल फाउंड इन ब्लड दैट इज मेड इन बोन मैरो ये सारी की सारी बोन मैरो में बनती है ये मैं बात पहले ही करवा चुका हूं पहली है आरबीसी रेड ब्लड कारपोल सेल्स इसका रासायनिक नाम जो है फिर इसका बायोलॉजी का नाम जो है रिथ्रोसाइट है रिथ्रोसाइट है इरित्रोसाइट है, इरित्रोसाइट है जीवन काल कितना होता है लाइफ स्पेम कितना होता है 120 दिन होता है बोन मैरो में तो ये बनती है और बनने के बाद डेथ 120 दिन बाद कहां मर जाती जाके? में जाके मर जाती है ठीक है उसके बाद स्प्लीन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पूरे ब्लड का ग्रेवयार्ड स्प्लीन कहलाता है क्योंकि ये बनती कहां पर है बोनमेरो में और 120 दिन के बाद 120 दिन के बाद स्प्लीन में जाके मर जाती है इट इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट है इमोग्लोबिन किन कोशिकाओं में पाया जाता है किन सेल में पाया जाता है आरबीसी में पाया जाता है और यह क्या करेगा ऑक्सीजन को लेकर जाएगा सीओ टू को बाहर निकालेगा यह काम है इमोग्लोबिन का इमोग्लोबिन किससे बना होता है आयरन से बना होता है आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इमोग्लोबिन किससे बना होता है आयरन से बना होता है आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इमोग्लोबिन इमोग्लोबिन के बनाने में आयरन का ही रोल होता है ये बात समझना इमोग्लोबिन दो चीजों से बना होता है यहां पर बता देता हूं मैं एक आपका आयरन और एक आपकी बी ट्वेल्व विटामिन बी ट्वेल्व इन दोनों से मिलकर हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन से इनसे बना होता है इससे आरबीसी बनी होती है आरबीसी से ब्लड बना होता है तो ब्लड आरबीसी आयरन हीमोग्लोबिन और बी कॉम्प्लेक्स इन सब की कमी से एक ही रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया इन सब की कमी से लिख लेना बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये एनीमिया कभी तो एग्जामिनर दे देता है इमोग्लोबिन की कमी से कभी दे देता है आयरन की कमी से कभी बीटवेल्व की कमी से फंडा क्या है तो फंडा मैंने आपको बता दिया फंडा सिंपल है ये सारे के सारे एक ही हैं ये सारे के सारे एक ही घर से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं भाई RBC cells को बोलते हैं, बता दिया मैंने. किसके द्वारा ने सबसे पहले किसकी खोज की भाई आपकी आरबीसी की खोज की भाई. चलिएगा नेक्स्ट देखने अभी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन क्या होता है इंपॉर्टेंट अभी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूकोज मिल जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इज फॉर्म बाय हीमोग्लोबिन दैट इज कोवलेंटली लिंक्ड टू ग्लूकोज जब ये कोवलेंटली किसके साथ लिंक हो जाता है ग्लूकोज के साथ लिंक हो जाता है इसको अपन बोलते हैं आपका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ग्लूकोज़ इन ब्लड उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब आपका ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं तो है, और बनता क्या है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनता है द लेवल ऑफ ग्लाइकेटेड हिमोग्लोबिन आर इन्स्ड बाई मैनी फैक्टर सच एज एनीमिया ये ऐसा होने पर क्या क्या हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा ये कब कब हो सकता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन uh, कब कब हो सकता है तो यह कब कब हो सकता है जब एनीमिया हो या आयरन की डेफिशिएंसी हो या प्रेगनेंसी हो इन सभी कारणों से जो है क्या हो सकता है सॉरी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या कर देगा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन आर इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनिफैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनिफैक्टर्स कई कारकों को प्रभावित होता है ग्लाइकेटेड हिमोग्लोबिया किस किस की वजह से होता है एनीमिया की वजह से आयरन डेफ हाँ ठीक है अभी बिल्कुल ठीक है तो एनीमिया होगा तो आयरन की कमी से एनीमिया होगा प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया हो सकता है तो इन सब से जो है जो है क्या होता है इन सब से इंफ्लुएंस्ड होता है कौन भी ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज हैज्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन सभी को पता है सौ एम के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये जो आपको बारह से सोलह ग्राम जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है ठीक है इट वेरीज फ्रॉम ये कुछ वेरी करता है महिलाओं में, में कम होता है पुरुषों में ज्यादा होता है ये चीज आप याद रखिएगा मेन जो आपको है आपको क्या है बारह से सोलह ग्राम इसको रेस्परेटरी पिगमेंट बोलते हैं एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूं हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं रेस्परेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को लेके आता है सी टू को छोड़ता है रेस्परेटरी पिगमेंट बोलते हैं इसका कलर वास्तविक कलर जो होता है वो वायलेट होता है बट जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होता है तो इसका कलर रेड होता है और जब हीमोग्लोबिन सी टू के साथ अटैच होता है तो इसका कलर ब्लू होता है तो ये क्वेश्चन कई दफ़ा आता है कि हीमोग्लोबिन के कितने कलर हो सकते हैं तीन कितने तीन कब क्या रियल कलर इसका वायलेट ऑक्सीजन मिलेगी लाल रेड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ब्लू खेल खत्म नेक्स्ट पर चलते हैं भाई नेक्स्ट भी आपका व्हाइट ब्लड कार्पन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इट हैज न्यूक्लिया मतलब इसके पास न्यूक्लियस होता है एक बात याद रखना आरबीसी की सेल है ना एक मात्र ऐसी जिनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता हैविंग नो न्यूक्लियस आरबीसी जो पीछे करवाई थी हैविंग नो न्यूक्लियस केवल दो ही एनिमल ऐसे जिनके पास न्यूक्लियस पाया जाता है एक तो ऊट और दूसरा लंबा यानी कैमल और लंबा जो है इनके पास ही न्यूक्लियस पाया जाता है आरबीसी में और सभी की आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस होती है ठीक है पूरी बॉडी में कोई भी ऐसी सेल नहीं है जिसके पास न्यूक्लियस ना हो आरबीसी को छोड़कर और सभी के पास न्यूक्लियस होता है इट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम का पार्ट क्यों करे देखिए व्हाइट ब्लड कार्पल सेल जिनको अपने बोलते हैं डब्ल्यूबीसी इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट ल्यूको साइट और ल्यूकोसाइट के अंदर एक सेल होती है जिनका नाम है टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। और टी और जो है किसका निर्माण करती है, है आपकी इम्यूनिटी का निर्माण करती है इम्यूनिटी रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं हम इम्यूनिटी रोग प्रतिरोध क्षमता तो ये जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट है इट हेल्प द बॉडी फाइट फ्रॉम द इंफेक्शन सिंपल सी बात अगर इम्यूनिटी होगी तो इम्यूनिटी का काम ही रोगों से लड़ना है इसीलिए इसको सोल्जर ऑफ बॉडी बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है किसको बोला जाता है इसको बोला जाता है एक फैक्टोर याद रखना बी एस एफ ऑफ बी एस एफ ऑफ ह्यूमन बॉडी ये विटामिन को बोला जाता है नाम सोच समझ रख के रख रखेंगे विटामिन प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज फ्रॉम डिजीज देखिए रोगों से बचाने का काम किसका है रोगों से बचाने का काम है विटामिन का फाइट फ्रॉम डिजीज रोगों से लड़ने का काम किसका है रोगों से लड़ने का काम आपका सोल्जर का है डब्ल्यू बी सी का है जैसे कि आर्मी होती है एक बी एस एफ होती है बी एस एफ की केवल सिक्योरिटी करती है लड़ती नहीं वो केवल सिक्योरिटी करती है लड़ना काम जो है किसका है ये काम आपकी डब्ल्यू का है सॉरी आर्मी का है बॉर्डर की बात कर रहा हूं मैं हमारे भारत बॉर्डर की ठीक है सेम ऐसे ही बॉडी के अंदर अगर बाहर से कोई डिजीज आ रही है तो उससे बचाएगी कौन विटामिन बट लड़ेगी कौन डब्ल्यू दो काम है याद रखना ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड दिज सेल्स आर कलरलेस अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कलरलेस हो जाएंगी क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो कोई भी कलर नहीं होगा क्योंकि मोग्लोबिन है लाल ब्लू और मैं जितने भी कलर बताएंगे मोग्लोबिन से ही होते हैं द लाइफ स्पैम ऑफ सी।, सी जो है 12 से 20 दिन का जो है इसका लाइफ स्पैम होता है किसका भाई ल्यूकोसाइट्स का ठीक है इसके बाद ये कहा स्प्लीन में जाकर इसकी मृत्यु हो जाएगी भाई डेथ हो जाएगी भाई वही बात है क्या सारी की सारी वही बात है नेक्स्ट स्लाइड नहीं हो क्या चलिए होगा भाई नेक्स्ट नेक्स्ट सालाइड भी आ जाते हैं अच्छा अच्छा इसके अंदर कुछ डायग्राम दे रखा डायग्राम है देखिए भाई डायग्राम सुनना टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी हैं टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी में भी दिख रहा होगा आपको हाँ दिख रहा होगा जूम नहीं हो सकता या नहीं हो सकता कोई नहीं दिख रहा होगा न्यूट्रोफाइल्स मोनोसाइट्स यूसुनोफिल्स और जो है आपकी लिम्फोसाइड्स और बेसोफिल्स ये सारी की सारी जो है टाइप ऑफ डब्ल्यू बी सी ये सारी की सारी क्या है टाइप्स ऑफ ब्लू बी सी है क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी इतना ज़्यादा तो इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जाता है एक तो याद रखना मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यू बी सी मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट डब्ल्यू बी सी है वो आपकी स्मॉलेस्ट डब्ल्यू है दो तो ये याद रखना ठीक है और जो आपके है आपकी कुछ बैक्टीरिया को किल करती हैं कुछ डैमेजेस क्लियर करती हैं आगे देखेंगे देखिए भाई ग्रेनुलोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स क्या है इट इज टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स इट हैज ग्रेनुल्स विथ सेक्रेट एंजाइम्स आर यूजफुल यूज्ड बाय इट टू किल दैथोजन ग्रेनुल ग्रेनुल्स रिलीज करती हैं मतलब पार्टिकल्स रिलीज करती हैं जो पैथोजन को मारते हैं तो आपसे पूछ सकता है डब्ल्यू की कौन सी सेल्स जो हैं आपके पैथोजन को मारती हैं तो आपको आंसर करना ग्रेनुल्स मारती हैं ठीक है न्यूट्रोफिल्स इशोनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स आर द टाइप ऑफ ग्रेनुलट विच आर द हैव लार्ज न्यूक्लिया यानी कि ये जो हैं आपके न्यूक्लियोफिल्स हैं इशोनोफिल्स हैं और जो है बेसोफिल्स हैं ये सारे के सारे आपके ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जाम्पल हैं Monocyte largest WBC, a type of WBC which regi, uh, regi, uh, resides. इन ब्लड एंड टिश्यू टू फाइंड एंड डिस्ट्रॉय जर्म एंड एलिमिनेट इनफेक्टेड सेल यानी कि ये वो डब्ल्यू बी सी है जो क्या करती है सभी जम्स को डिस्ट्रॉय करती है और इन्फेक्टेड जो आपकी टिश्यू हैं हाँ उनको क्या करती है बाहर निकालती है मोनोसाइट हेल्प ट्रीट इंजरी एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन इंजुरी को ठीक करने में कौन सी सहायता करती है तो आपको आंसर करना है मोनोसाइट करती है वो पैथोजन को मार रही थी ये इंजुरी की को ठीक कर रही है इधर आ जाओ भाई लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट है लिंफोसाइट भी स्मॉलेस्ट सेल होती है इट इज ए टाइप ऑफ इम्यून सेल्स दैट इज क्रिएटेड बाय बोन एंड इज़ फाउंड इन ब्लड एंड इन लिम्फ सेल इम्यून सेल होती है बस इतना ही आपको करना है और तो सभी को पता बोन मैरो ही बनाती है इनको ठीक है तो बोन ब्लड में ही पाई जाती है ये बात सबको पता है tissue, तो आपकी इम्यूनिटी की फॉर्मेशन टी टीलिम्फोसाइड सेल बनाती है इम्यूनिटी कौन बनाती है टीलिम्फोसाइड सेल ही बनाती है ठीक है लिम्फोसाइड में भी टी लिम्फोसाइड सेल बनाती है इधर आ जाओ भाई नेक्स्ट जो है आपकी डब्ल्यू बी सी आर बी सी और एक है प्लेटलेट्स जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स क्या नाम है थ्रोम्बोसाइट टाइप नहीं है ये आपकी प्लेटलेट्स आ गई हैं क्या आ गई हैं प्लेटलेट्स तीसरी कार्पल सेल जो है आपकी वो हाँ आपकी प्लेटलेट्स दीज आर सेल फ्रेगमेंट्स दैट आर फाउंड इन ब्लड ब्लड के अंदर पाई जाने वाली प्लेटलेट्स होती हैं बोन मैरो के द्वारा बनाई जाती हैं और डेथ जो इनकी स्प्लिन में होती है पूरा ब्लड बोन मैरो में बनता है स्प्लीन में मरता है ये याद रखना प्रोड्यूस्ड बाई बोन मैरो एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड हेल्प टू क्लोटिंग द ब्लड कौन सी क्लोटिंग जब ब्लड निकलता ना तो उसको थक्का जमाने में यानी कि उसको जमाने में उसको रोकने में किसका काम होता है इस डबल सॉरी इस प्लेटलेट्स का काम होता है थ्रोम्बोसाइट्स का काम होता है लाइफ स्पैम देख लेना आठ से सात दिन ठीक है उसके बाद इट हैज डेंस ग्रेनुल्स अल्फा ग्रेनुल्स एंड द लेमडा ग्रेनुल्स एज देयर कंपोनेंट इनके पास जो है ग्रेनुल्स होते हैं ये बात याद रखना ये नॉर्मली जो है डेढ़ से साढ़े चार लाख के करीब जो है प्लेटलेट्स होती हैं दो ही टाइम पर कम होती हैं प्लेटलेट्स या तो डेंगू हो गया हो या चिकनगुनिया हो डेंगू और चिकनगुनिया होने पर जो है प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं भाई कम हो जाती हैं चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कहा गया अच्छा भाई आज के लिए इतना तो ही था क्या चलो कोई नहीं भाई तो ये थी भाई आपका ब्लड ब्लड खत्म नहीं हुआ अभी ब्लड ग्रुप करेंगे कल अच्छे से अपन जो है मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक अपना होगा उसमें हम ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो है आपका ये सारा का सारा ब्लड के बारे में तो बता दिया हमने लेकिन ब्लड भी अलग अलग टाइप का होता है ठीक है मेरे मेरे बॉडी के अंदर अलग टाइप का ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर अलग टाइप का ब्लड है मतलब हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग टाइप का ब्लड होता है ये टाइप ऑफ ब्लड जो है आपका ब्लड ग्रुपिंग कहलाती है ठीक है तो ब्लड ग्रुप को जो है अपन कल देखेंगे इसमें मैं बता देता हूँ इसमें मैंने मेन मेन जो है अपने जो है मेन मेन जितनी भी ब्लड के बारे में किया है प्लाज्मा क्या होता है और जो है आपका प्लाज्मा की जो तीन सेल होती है आरबीसी डब्लू बी सी और प्लेटलेट्स इनके बारे में किया है थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं प्लेटलेट्स जो है इनकी कमी से चिकनगुनिया और डेंगू हो जाता है और अगर आपसे पूछे डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी अगर कम हो गई डब्ल्यू बी सी अगर कम हो गई मैं ये बता देता हूँ बस किसकी कमी से आरबीसी अगर कम हो गई आरबीसी अगर कम हो गई तो आपका एनीमिया हो जाएगा कौन सा हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा एनीमिया RBC कम होगी तो एनीमिया डब्ल्यू अगर कम होगी तो एड्स एड्स किसकी कमी से WBC प्लेटलेट्स कम हो गई तो चिकनगुनिया चिकन पॉक्स और डेंगू डेंगू जो है यानी की कमी से हो जाता है ठीक है तो ये प्लेटलेट्स हैं जिनकी अलग अलग कमी से जो है अलग अलग रोग होते हैं तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अगले सेशन में हम ब्लड ग्रुप को करेंगे आज के लिए इतना ही चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ जय हिंद साथियों जय भारत